सो अभी तकरीबन 24 स्टूडेंट्स हो गए हैं। 24 तो नहीं है फिर, क्योंकि दो आईडीज मेरी है। ओके लेट्स सी कौन ज्वाइन करता है। सो एक आधा मिनट दे देते हैं, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपकी क्लास में मैंने यजदान साहब को भी इनवाइट किया था ताकि फीडबैक उससे लिया जा सके। सो होपफुली आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी। अच्छा, अभी मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। इन बिटवीन अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है या कोई इस तरह का मसला होता है, तो उस वक्त आप फिर क्या करें, अपना माइक ऑन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो फार वी आर हैविंग 25 स्टूडेंट्स। ओके, लेट लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। रोम टैब। ओके, सो होपफुली आपको सामने एक स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये स्क्रीन बेसिकली आप जब इंजीनियरिंग स्टैटिक्स की क्लास ज्वाइन करेंगे, सो वहां से आप देख सकेंगे। दिस इज बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसमें जो स्टैटिक्स पोर्शन है वो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। कोर्स कोड इज ME111। ऊपर आप देख सकते हैं यू आर हैविंग सेक्शन ई। सो यहाँ पे आप ऊपर अगर देख लें, वी आर हैविंग फोर डिफरेंट ऑप्शन: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? काइंडली अगर कोई मुझे रिप्लाई कर दे। ओके ठीक है। अच्छा, जी आउटसाइड सर, क्लियर है। यूटी ईमेल से अगर कोई इंटर होने की कोशिश करेगा तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, ये यजदान साहब को हमने इनवाइट किया था, उन्होंने भी ज्वाइन कर दिया। सो उनसे फिर क्लास के आखिर में फीडबैक लेंगे ताकि क्लास में इम्प्रूवमेंट कर सकें। ओके, सो वी आर हैविंग इंक्लूडिंग यजदान साहब एंड मेरे दो आईडीज कंबाइन करके वी आर अबाउट 30 स्टूडेंट्स। ओके, सो आई हैव शेयर द स्क्रीन विद यू पीपल। अगर आप देख लें, इसमें ऑन द वेरी लेफ्ट साइड आपके पास आपका जो सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट है वो लिखा हुआ है। देन मिड में अगर आप देख लें, वी आर हैविंग थ्री डिफरेंट ऑप्शन: स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स। अच्छा, स्ट्रीम क्या चीज है? बेसिकली इट्स सेम एज फेसबुक वॉल, आपकी जो फेसबुक की वॉल होती है एग्जैक्टली वही चीज है। सो यहाँ पे अगर कोई मैसेज वगैरह मैं पोस्ट कर देता, वो मैसेज आपको मिलेगा। लाइक लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं, आप कोई मैसेज करते हैं या मैं करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा था कि आपके पास कैलकुलेटर, नोटबुक वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ये एक मैसेज था, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा, फिर मैंने कहा था कि शायद क्लास थोड़ी सी लेट हो या रीस्केड्यूल कर दें। ठीक है, ओके। लेक्चर 5 मीन दिस इज बेसिकली फिफ्थ वीक, सो दैट्स वाई लेक्चर 5 मैंने उसको टाइटल लिया। ओके, सो अगर आप क्लास वर्क में चले जाएं, इन क्लास वर्क वी आर हैविंग डिफरेंट ऑप्शंस। आप देख लें, फर्स्ट जो आपके पास है, कोर्स इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, सीएलओस एंड एवेल्युएशन क्राइटेरिया। अगर इस पर आप क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड फाइल मिलेगी। इस पर आप क्लिक कर दें तो इट विल टेक यू टू गूगल ड्राइव। अच्छा, गूगल ड्राइव में अगर आप इसको ओपन कर दें, कोर्स आपका ME101 इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसका जो स्पेसिफिक पार्ट है आपके पास स्टैटिक्स, वो हम पढ़ रहे हैं।
इज देयर एनी फॉरनर इन दिस क्लास? फॉरनर है कोई? और टाइमिंग अभी अगर किसी ने ज्वाइन किया हो? नो सर, कोई नहीं है। ठीक है, ओके। सो ये कोर्स जो है, चूंकि इसके सेक्शन काफी ज्यादा है, सो 3 सेक्शन इसके मैं पढ़ाऊंगा और 2 सेक्शन यजदान साहब पढ़ाएंगे। सो सिलेबस आप अगर देख लें, पहली क्लास में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या हमने करना है, वो दोबारा भी यहाँ पे मेंशन है। और जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमारे पास जो कि हमने फॉलो करने हैं, सो ऑलरेडी एक आपके पास जेल मीडियम की जो बुक है उसका 6th एडिशन वो हम फॉलो करेंगे। और इसके साथ अगर आप दूसरा कोई बुक वगैरह एज अ कोर्स देखना चाहते हैं, आर सी हिबलर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसकी 12th एडिशन है बाय आर सी हिबलर, सो ये आप कर सकते हैं। कोर्स के जो ऑब्जेक्टिव है जो हम अचीव करना चाहते हैं, हर अकॉर्डिंग टू ओबी हर एक कोर्स का एक अपना लर्निंग आउटकम होता है, एक नहीं होता बल्कि ज्यादा होते हैं, कौन कौन से हम अचीव करना चाहते हैं। और फिर आपकी ओवरऑल मैकेनिकल डिग्री की कुछ आउटकम्स होती है जिसको हम प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स कहते हैं। सो ये जो कोर्स है उस प्रोग्राम लर्निंग आउटकम के किस किस हिस्से को टच कर रहे हैं और उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे गिवन है। 4 CLOs है जो कि हम इस सब्जेक्ट में अचीव करना चाहते हैं, और ये किस किस CLO को अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी साथ में मैंशनड है। कोर्स इवेल्युएशन या ग्रेडिंग क्राइटेरिया की अगर हम बात कर लें, तो सेशनल कोविड 19 की वजह से थोड़ा सा आपका ये क्राइटेरिया चेंज हो गया। सेशन आपके अबाउट 30% होंगे, इसमें क्लास पार्टिसिपेशन आ सकती है, असाइनमेंट्स होंगे, क्विजेज वगैरह कुछ भी हो सकता है। देन आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होगा उसकी जो परसेंटेज है वो 20% होगी, और फाइनल टर्म एग्जाम आपका दैट विल बी अबाउट 50%। सो एग्जाम कैसे होगा वो बाद में डिसाइड करेंगे, फाइनल टर्म कैसे होगा, मिड टर्म कैसे होगा, ठीक है, तो उस पर भी सोचा जा रहा है, लेकिन मिड टर्म मोस्ट प्रॉबली ऑनलाइन होगा और फाइनल टर्म का भी कुछ कंफर्म कहा नहीं जा सकता। कैसे होगा, टेक होम एग्जाम होगा या कोई क्विजिस टाइप होंगे या MCQs टाइप होंगे या वाइवा टाइप होगा, तो इट्स टू अर्ली, वो बाद में फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, जितने 5 सेक्शन हैं जैसा सब के साथ मिलकर कंबाइन फिर डिसाइड कर लेंगे। अच्छा, इसमें अगर थोड़ा सा नीचे चले जाएं, ये बुक्स एंड सॉल्यूशन मैनुअल, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं, नीचे आप देख लें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जेल मेरियम की किताब है 6th एडिशन जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है, अच्छी क्वालिटी प्रिंट में मौजूद है। ठीक है, फिर इसका जो सॉल्यूशन मैनुअल है वो सॉल्यूशन मैनुअल भी मैंने अपलोड कर दिया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सॉल्यूशन मैनुअल देखना चाहते हैं, जस्ट क्लिक ऑन दिस वन, दिस कुडंट प्रीव्यू फाइल, दिस फाइल इज टू लार्ज टू प्रीव्यू। अच्छा, ये प्रीव्यू में इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि फाइल साइज बहुत बड़ा है। लेट मी रिपीट, ये आपके पास बुक है एंड इसका काफी अच्छा प्रिंट है, कोई पिक्चर वगैरह इसकी देख लेते हैं। देखिए सारे जितने भी प्रॉब्लम वगैरह हम कर रहे हैं यहाँ पे आपके कलर में बिल्कुल क्लियर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू शो यू कि ये बुक यहाँ पे मौजूद है। सॉल्यूशन मैनुअल आई डोंट नो क्यों ओपन नहीं हो रहा, ये मैसेज दे रहा है कि फाइल साइज काफी ज्यादा है इस वजह से ओपन नहीं हो सकता, लेकिन सॉल्यूशन मैनुअल में अगर आप देखते हैं इसमें सारे के सारे प्रॉब्लम मौजूद है। बाज़ूकात ये मसला हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपके पास SI यूनिट में बुक में गिवन है और सॉल्यूशन मैनुअल में जो यूनिट्स यूज किए हैं वो आपके पास इंग्लिश सिस्टम होगा, फुट पाउंड सिस्टम होगा, सो आपने एटलीस्ट वो आइडिया आप वहाँ से ले सकते हैं। और दूसरा जो प्रॉब्लम्स है वो तरतीब से नहीं है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह नहीं है, कभी 10th आ गया होगा, उसके बाद फिर 8, फिर 9, फिर 5, फिर 1, सो आपने यू हैव टू सर्च आउट योर रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। आर सी हिबलर की जो किताब है वो भी यहाँ पे मौजूद है, सो वो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फैकल्टी टाइम टेबल अगर आप देख लें, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि 2 टीचर उसको पढ़ा रहे हैं, 2 फैकल्टी मेंबर, तो अगर मेरा टाइम टेबल सिर्फ आपके सेक्शन के लिए जो है वो आप देखना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर दें एंड यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा, आपको नजर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल इनिशियल टाइम टेबल है, इसको फिर बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं
आई डोंट नो करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी क्लासेस के साथ देख के अगर सीक्वेंस बन सही है, तरतीब सही जा रही है, फिर नहीं करेंगे। सिमिलरली यजदान साहब का भी आप देख सकते हैं। सर छोटा सा क्वेश्चन है सर, पूछ लूं जी 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 सर, जिस तरीके से पहले मतलब दो सेक्शंस को आप पढ़ाते थे, दो सेक्शंस को फजली यजदान साहब पढ़ाते, तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही होगा या मतलब आधा कोर्स आप पढ़ाएंगे आधा कोर्स फजली यजदान साहब नहीं नहीं पढ़ाएंगे? नहीं 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 वो कोर्स मैं भी पूरा पढ़ाऊंगा और यजदान साहब भी पूरा पढ़ाएंगे, ठीक सर, और जो सेक्शन जो चीज़ है वो एक, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ठीक हाँ सेक्शन डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम क्लास होगी, ठीक है, सेम हो गया, कंटेंट होगा, ठीक है, ठीक हो गया, तो टीचिंग में या कोर्स कंटेंट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, एग्जाम में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सही हो गया, तो इफ यू आर इन थैंक यू। सेक्शन ए या बी या सी, सो सेम लेवल ऑफ टीचिंग, सेम लेवल ऑफ कोर्स होगा। अच्छा, फिर अगर आप यहाँ पे देख लें लेक्चर स्लाइड, सो चूंकि पहले 4 वीक की जो क्लासेस थी उसमें कुछ मिस हुई है, या मिस होने के अलावा वो शायद बाद में उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे, कोई मेकअप वगैरह क्लास ले लेंगे अगर दरमियान में वो रिकवर नहीं होता। और 4 वीक्स हो गए, वो लेक्चर्स क्योंकि हमने हैंड रिटन और बोर्ड पे क्लास में सॉल्व कर दिए थे, सब कुछ क्लास पे ही हो गया था, तो वो शॉर्ट फॉर्म में मौजूद नहीं है। आज की जो क्लास है, जो लेक्चर है, वो मैंने प्रॉपरली तैयार कर दिया है, ठीक है। सो यजदान साहब भी यही टीच करवाएंगे और मैं भी यही अभी आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये स्लाइड्स हैं सारी जो कि आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगेन दो फैकल्टी मेंबर्स को पढ़ाएंगे और ये सारी चीज़ें इसमें हैं। सो होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी एक क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि इस फाइल को हम डाउनलोड कैसे करें, यहाँ पे डाउनलोड का कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो व्हाट यू कैन डू, आप ऑन द वेरी राइट आप देख लें, बिल्कुल टॉप राइट पे तीन बटन आपको नजर आ रहे होंगे, इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं, सो ओवर हियर वी आर हैविंग ओपन इन न्यू विंडो, आप इस पे क्लिक कर दें। ओके, ये दूसरी विंडोज में खुल जाएगा, और जब दूसरी विंडो में ये फाइल आपके पास खुलेगी, इसको मैं बैक कर देता हूँ और वो फाइल आपके पास के साथ शेयर कर देता हूँ। ओके, ये अच्छा, अगर कोई असाइनमेंट वगैरह, क्विज वगैरह या वीडियो वगैरह अपलोड होनी है, तो वो फिर अपने करस्पॉन्डिंग सेक्शन में होगी, ठीक है। सो ये यहाँ से आपको सब कुछ देख सकते हैं। फिर पीपल में अगर आप देख लें, सो दो आपके टीचर्स हैं, एक सीएमएस ऑपरेटर जो इस चीज को मैनेज कर रहा है, एंड चेयरमैन मैकेनिकल, ठीक है, सुपरविजन के लिए या किसी भी वक्त वो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस वगैरह चेक करने के लिए। ओके, सो ग्रेड्स, ग्रेड अभी फॉर टाइमिंग इस पे अपलोड नहीं हो रहे, सो उसको छोड़ देते हैं। तो आप काइंडली स्ट्रीम को चेक किया करें, अगर आप ऑप्शन में यहाँ पे जाके नोटिफिकेशंस को ऑन कर देते हैं, यहाँ पे आप देख लें नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन यहाँ से नहीं है, सॉरी, नोटिफिकेशन आपको मिलेगी यहाँ से, इस सेटिंग में आप जाएं यहाँ से, और सेटिंग ये जो है रिसीव ईमेल नोटिफिकेशन, तो आप ऑन कर दें, जो मैसेज आएगा आपको ईमेल उसकी मिल जाएगी, मैंने ऑफ किया हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं चला जाता हूँ दोबारा स्क्रीन को। जरा खान यूटी ईमेल से आप एंटर हो जाएं, ये स्क्रीन मैं स्टॉप कर देता हूँ, और जो दूसरी स्क्रीन जो मैंने शेयर करनी है उस पे आ जाते हैं। अच्छा, वहां पे मैंने आपको जो दूसरी फाइल ओपन करके दी थी वो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, क्रोम टैब। तो ये वो फाइल है बेसिकली, अभी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगी। ओके, ये बेसिकली वो फाइल है जो मैंने ओपन इन न्यू विंडो की थी। अभी आप यहाँ पे देख ले, डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपके पास आ रहा है, सो उस पर क्लिक करें,
और जहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक्स थी, अगर इन चीज़ों की आपको समझ आ गई है सो मूव ऑन करते हैं और प्रॉपर लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो लेक्चर है उसको मैं ऑन करके शेयर कर देता हूँ। ओके, सो प्रॉपर क्लास की तरफ आते हैं अभी। आई होप कि आवाज वगैरह आपको क्लियर आ रही होगी। है सर, सही आ रही है। पीछे से सर थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, हल्की हल्की। अच्छा, डिस्टरबेंस है यार। मैं दो आईडीज यूज कर रहा हूँ, इससे पहले बहुत ज्यादा थी। सो अगर ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं है फिर मैं चेंज नहीं करता, नहीं आप सर, देख सही है, लेते हैं इतनी थोड़ा। ठीक है, नहीं है सर ओके, इतनी। अच्छा ठीक है, क्लास स्टार्ट कर लेते प्रॉपर। क्लास हमारा अगेन, लेट 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 मी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। कोर्स जो हमारा है वो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दो चीज़ें थी उसमें, दो ब्रांचेस थे उसके। अगर फर्दर उसको सब डिवाइड कर दें, एक स्टैटिक्स एंड एक डायनेमिक्स। तो इस सेमेस्टर में हम स्टैटिक्स पढ़ रहे थे अभी तक, और अभी इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेकेंड सेमेस्टर आपको, और जो सेमेस्टर अभी करंटली चल रहा है दैट इज स्प्रिंग 2020, मैं और फजले अदान साहब दोनों मिलके इस कोर्स को पढ़ाएंगे। एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरी, कुछ वगैरह पूछते हैं अपने या कांटेक्ट वगैरह करना चाहते हैं, सो यू कैन कांटेक्ट अस ऑन द गिवन ईमेल एड्रेसेस। अच्छा, बुक्स वगैरह दो मैंने आपको वहाँ पे बता दिए, जो कोर्स बुक हैं जो टॉप पे हैं और जो बॉटम में है। जैल मेरियम की जो 6th एडिशन बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और आरसी हिबलर ये बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बी आर एन जॉनसन और ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एच हेम्स, ये बुक भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एज अ रेफरेंस बुक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये जो टॉप और बॉटम पे बुक हैं, यू कैन कंसिडर दीज टू बुक एज योर कोर्स बुक्स। एवेल्युएशन का मैंने आपको वहाँ पे भी बता दिया, और लेट मी रिपीट अगेन कि आपके जो टोटल मार्क्स होंगे उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। 30% आपके सेशनल मार्क्स होंगे, जिसमें क्विजेस, क्लास पार्टिसिपेशन, अटेंडेंस और असाइनमेंट्स वगैरह हो सकती हैं। और मिड टर्म आपका अबाउट 20% होगा, फाइनल टर्म आपका 50% होगा। ओके, सो सबसे पहले बेसिकली हमने पढ़ा क्या था, वी स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में फिर हमने फर्दर की क्या चीज़ है, ये इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को स्टडी किया। एंड उसी बेस पे कि अगर इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की वजह से आपके पास बॉडी इक्विलिब्रियम में है या स्टैटिक्स में है, मूव नहीं कर रही तो वो स्टैटिक्स की कैटेगरी में आ जाता है, और अगर मूव कर रही है तो वो डायनेमिक में आ जाता है। उसी बेसिस पे फिर हमने फोर्सेस पढ़ी, क्योंकि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस हम पढ़ रहे हैं। फिर स्केलर्स और वेक्टर्स की तरफ हम आए, फिर वेक्टर एडिशन हमने पढ़े, हेड टू टेल रूल उसमें, उसके बाद पैरेललोग्राम ला, ग्राफिकल मेथड्स वगैरह ये सारे हमने किए। ठीक है, अल्जेब्रिक मेथड्स हमने किए, एंड उस पर कुछ एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम्स वगैरह वो भी कर लिए थे। अगला जो सेक्शन है चैप्टर 2 का, दैट इज बेसिकली मोमेंट। सो मोमेंट एक्चुअली है क्या चीज़? सो मोमेंट इज बेसिकली इट्स द टेंडेंसी ऑफ एनी फोर्स टू कॉज रोटेशन। सो ये फोर्स की कैपेबिलिटी है कि वो रोटेशन क्रिएट करें, वो ट्विस्ट क्रिएट करें, या वो मोमेंट्स क्रिएट करें, या जिस तरह हमारे पास बीम्स में बेंडिंग मोमेंट होता है, बेसिकली ये वो चीज़ है। सो फोर्स की कैपेबिलिटी कि वो किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशन पैदा करें या उसमें रोटेशन पैदा करने की कोशिश करें, दैट इज बेसिकली मोमेंट। सो वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज लाइक द मोमेंट डिटरमिन द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज रोटेशन। मोमेंट क्या करते हैं, फोर्स की सलाहियत को शो करता है
किस सलाहियत को, रोटेशन पैदा करने की सलाहियत को। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे अगर डायग्राम को आप देख लें, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है और इसके साइड पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो अगर आप इमेजिन कर लें इस ऑब्जेक्ट को और ये फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर दें, तो इसकी वजह से होगा क्या, इमेजिन करें कि ये जो ऑब्जेक्ट है आपके पास, ये दरमियान से फिक्स है, दरमियान से या पीछे से एक सर्टन लेंथ है उसकी और फिर वहां से ये फिक्स्ड है। सो होगा क्या, दिस फोर्स एफ इट विल ट्राई टू रोटेट दिस ऑब्जेक्ट, ये फोर्स एफ इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, सो ये रोटेशन बेसिकली क्या है, इसको हम मोमेंट या टॉर्क कहते हैं। अच्छा, इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, सो दिस इज द फोर्स, जो भी फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा एंड मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस परपेंडिकुलर, जिसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के दरमियान होगा, बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड वो पॉइंट जहां पे आपके पास फोर्स प्रोड्यूस, जहां पे आपके पास मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख लें, इस पॉइंट पे आपको ये कर्सर नजर आ रहा है, कर्सर सर नजर आ रहा है जी। अच्छा, ये फोर्स आप देख लें, ये यहाँ पे है और मोमेंट कहाँ पे क्रिएट होगा, रोटेशन क्रिएट होगी अबाउट पॉइंट ओ, मीन्स पॉइंट ओ अपनी जगह से मूव नहीं होगा। सो इन होगा क्या, वेन यू अप्लाई दिस फोर्स, आपके पास ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा या इसमें स्लाइट रोटेशन आपके पास प्रोड्यूस होगी। नाउ ये एक रोटेशन या टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, जिसको हम मोमेंट कहते हैं, ठीक है, या टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड द पॉइंट वेयर मोमेंट इज क्रिएटेड या अबाउट विच मोमेंट क्रिएटेड, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। यहाँ पे हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, हाउ वी कैन फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल लेट द फोर्स अप्लाई इज एफ, कोई भी हो सकता है, न्यूटन आपके पास हो सकता है, इट कैन बी लाइक पाउंड, सो ऐसा ही सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो लेट इट बी न्यूटन। मोमेंट आर्म हमारे पास, इमेजिन करें कि ये आर है, सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ कितना आपके पास होगा, एम ओ, दिस मीन्स एम सबस्क्रिप्ट ओ मीन्स मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई बाय द फोर्स। सो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, मोमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अच्छा, मोमेंट को समटाइम्स हम टॉर्क भी कहते हैं, मोमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज टॉर्क। टॉर्क और मोमेंट में बेसिकली फर्क क्या है, या यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों पुट किया हुआ है, वो थोड़ी देर बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ कन्वेंशन है, आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं। एक डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो सेकेंड डायरेक्शन को फिर आपने नेगेटिव लेना होगा। समझ आ रही है ना, अगर क्लियर यस नहीं सर, है तो मुझे दरमियान में रोक लिया करें। ओके, नाउ लेट्स सी मोमेंट और टॉर्क के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें, वी आर हैविंग अ शाफ्ट, इमेजिन करें कि हमारे पास एक शाफ्ट है, राइट साइड पे अगर आप देख लें इसका, आपके पास साइड व्यू नजर आ रहा है। अगर ये फोर्स एफ हमारे पास इस पॉइंट पे एक्ट हो रही है, जहां पे ये अभी शो हो रहा है, एंड तो होगा क्या, इसमें आपके पास इस शाफ्ट में ट्विस्टिंग या टॉर्जन क्रिएट होने की के चांसेस है। ठीक है, दिस फोर्स विल क्रिएट टॉर्जन और ट्विस्ट इन दिस शाफ्ट। सो ये जो ट्विस्ट है, ये अगर आप देख लें, दिस इज इन दिस केस द मोमेंट आर्म इज अलॉन्ग द रेडियल एक्सिस, मोमेंट आर्म हमारे पास जो है वो रेडियल एक्सिस में है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये टॉर्क नीचे वाली फिगर में टॉर्क जो है, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मोमेंट आर्म आपके पास क्या है, वो रेडियल डायरेक्शन में। अच्छा, मोमेंट के केस में क्या होगा, मोमेंट के केस में व्हेन यू अप्लाई फोर्स, यहाँ पे एक दूसरा केस है, फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, और मोमेंट आर्म आपके पास क्या है, दैट दिस इज बेसिकली अलॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो इस केस में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दैट टॉर्जन, इंस्टेड ऑफ दैट ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग आपके पास नहीं होगी बल्कि बेंडिंग होगी, ये जो बीम है या ये जो शाफ्ट है, ये आपके पास इस साइड पे नीचे की तरफ बेंड होने की कोशिश करेगा, या कोशिश करेगा, या अगर स्ट्रेंथ इसकी कम है तो इसमें ये ब्रेक डिफ्लेक्शन कर आपके लिया। पास आ जाएगी। ठीक है, सो ठीक, होगा क्या, इस केस में जो हमारे पास जो रोटेशन आ रही है इसको हम कहते हैं मोमेंट, और इस केस में जो रोटेशन हमारे पास आ रही है इसको बेसिकली हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है, और यहाँ पे ठीक, इस केस में इसको यूजुअली हम बेंडिंग कहते हैं। इज इट क्लियर, सो दिस इज द यस मेन डिफरेंस बिटवीन मोमेंट एंड टॉर्क, बट मोर इन मोस्ट ऑफ द केस टॉर्क के लिए भी हम मोमेंट का वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, अच्छा,
थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि वी हैव टू यूज आइदर पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन क्यों यूज करेंगे और नेगेटिव साइन क्यों यूज करेंगे? लेट्स सी, अगर कोई फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, उस ऑब्जेक्ट में उस फोर्स की वजह से आ रही है रोटेशन, वो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो उसको हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव मोमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, दिस इज बेसिकली क्लॉकवाइज, मीन्स अगर आपके पास घड़ी के डायरेक्शन में मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ये क्लॉकवाइज है, इसको हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर दिस एज नेगेटिव। अच्छा, अगर मोमेंट आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है सो वी विल कंसिडर इट एज पॉजिटिव। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप उल्टा कर दें, आप एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लें, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लें, लेकिन एक दफा अगर आपने एक कन्वेंशन सेट कर दिया सो फिर आपने उसी को फॉलो करना है। ये नहीं कि आपने प्रॉब्लम स्टार्ट कर दिया, शुरू में आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, दरमियान में कभी नेगेटिव कर रहे हैं कभी पॉजिटिव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी सारी कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। ठीक है, आप प्रॉपर कैलकुलेशन, प्रॉपर स्ट्रेस एनालिसिस या फोर्स एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। सो जो आपने एक दफा सेटिंग कर दी वो थ्रू आउट फिर आपने उसी तरीके से रखनी है। ओके, चूंकि स्टूडेंट ज्यादा होंगे सो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, अटेंडेंस डिनाई एंट्री सारुल हब। ओके, 33 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास अभी, 33 पार्टिसिपेंट्स हैं। ओके, अटेंडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसारुल हक, इससे क्या है कि यूटी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से आप ज्वाइन करें। ओके, अटेंडेंस मैं सिर्फ चेक कर लूँ थोड़ा सा। अरे ये 33 तो नहीं होंगे इसमें, तो आपका भी है, एक CMS का भी है, ऑनलाइन जी, है। मुझे पता है, मुझे पता है, कोई नहीं कोई नहीं, उसमें कोई नहीं है, इसमें दो आईडीज मेरी हैं तो आपके नाम इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अटेंडेंस में, सही है और सर। अटेंडेंस मैं एक दफा नहीं काफी दफा लेता हूँ। ओके, नहीं ओके, लेट्स गो बैक टुवर्ड्स द लेक्चर। अच्छा, दोबारा आ जाते हैं लेक्चर की तरफ। नाउ अगर यहाँ पे अभी आप देख लें, सो वी हैव कंसिडर क्लॉकवाइज मोमेंट एज नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एज पॉजिटिव। ठीक है, नाउ राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बेसिकली क्यों हम यूज करते हैं। माइक आप में से किसी की ऑन है तो काइंडली इसको आप ऑफ कर दें, क्योंकि दरमियान में डिस्टर्बेंस हो रही है इससे। भैया का माइक कौन है सर? भैया रहमान कहाँ ने माइक सर, बस शोर आ रहा है सर के पीछे। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है आप काइंडली ऑफ कर दें। थैंक यू सर। ओके, सो राइट हैंड रूल, इन केस ऑफ मूवमेंट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस, फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन वी बेसिकली यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बेसिकली है क्या चीज, आपने करना क्या है, आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और उसमें मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है, सो
जिस डायरेक्शन में आपके पास रोटेशन है हो रही है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कर्ल योर राइट हैंड फिंगर्स इन द डायरेक्शन। आपने उस रोटेशन की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिगर्स को क्या करना है, उसको घुमा देना है, उसको रोटेट कर देना है, अपने हाथों को बंद कर देना, उंगलियों को बंद कर देना, बुट्टी बना देनी, ठीक है। इस केस में आपका जो थंब होगा, जो थंब आपका होगा, दैट विल बेसिकली गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जिस प्लेन में आपके पास रोटेशन हो रही है उसके उसका नॉर्मल डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास रोटेशन जो हो रही है इस ऑब्जेक्ट में वो है एंटी क्लॉकवाइज, तो आपने राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है जिस डायरेक्शन में आपके पास ये रोटेशन हो रही है। यू कैन सी द थंब, दिस थंब इज बेसिकली गिविंग द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट, और वी कैन सी दिस इज द डायरेक्शन नॉर्मल टू और परपेंडिकुलर टू प्लेन वे रोटेशन टेक प्लेस, ठीक है। सो बेसिकली इससे होता क्या है, सो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन वी कैन एक्चुअली डिटरमिन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन और मोमेंट। सो अगर राइट हैंड रूल से हमें कोई बता दे कि डायरेक्शन ये है नॉर्मल टू अ प्लेन ये है, सो वहां पे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल हम एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक बेसिकली सिस्टम है जिसके जरिए आप नॉर्मल टू अ प्लेन अगर आपको कोई बता दे, सो बाय यूजिंग राइट हैंड रूल यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोमेंट। अच्छा, मोमेंट की मिसाल ले अगर आपको मैं दे दूं, तो एक आप यहाँ पे देख लें रेंच में, ऑन द वेरी लेफ्ट पॉइंट ए या फिगर ए में जो आपको नजर आ रहा है, दिस पर्सन इज बेसिकली अप्लाइंग फोर्स एट दिस लोकेशन, वो हाथ जहाँ पे उसका है वहां पे ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। एंड अबाउट सेंटर पॉइंट आपके पास क्या हो रही है, कोई रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है सेंट्रल एक्सिस पे, इस शाफ्ट के सेंट्रल एक्सिस पे रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। सो ये जो रोटेशन है या ये जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू दिस फोर्स, और वो डिस्टेंस कहाँ से, बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स और जहाँ पे आपके पास रोटेशन हो रही है जिस पॉइंट पे वहां तक, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सिंपली दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपके पास वो मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। नाउ दूसरे फिगर में अगर आप देख लें, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, दिस इज अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, और फिगर बी में अगर आप देख लें एक ऑब्जेक्ट है जिस पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट दिस फोर्स, ये फोर्स कितनी, सॉरी ये मोमेंट यहाँ पे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट कितना है, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई एफ विद द मोमेंट आर्म। सो इस केस में मोमेंट आर्म आपके पास आर नहीं है, बल्कि व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड द पॉइंट वेयर दैट रोटेशन टेक्स प्लेस, या जहां पे ये रोटेशन आपके पास प्रोड्यूस हो रही है। सो हम एफ मल्टीप्लाई बाय आर करने की बजाय हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है आपके पास, डी है। सो दूसरे डायग्राम में अगर आप देख लें, वो हमने क्लियरली उसको वो कर दिया कि मोमेंट इज बेसिकली इक्वल टू एफ इंटू मोमेंट आर्म, जो कि यहाँ पे आपके पास डी है। सो डायग्राम डी में आप देख सकते हैं, सो मोमेंट इज बेसिकली एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अच्छा, इसको अगर आप देख ले मोमेंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, सो मोमेंट जो आपके पास प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इन काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, सो टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज रोटेशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्स एक्सिस अलॉन्ग एम ओ। सो इस केस में क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डी, ये डी हमने बेसिकली फाइंड आउट करना है। आर तो हमें गिवन है, एफ भी गिवन है, आर भी गिवन है, तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस डी व्हाट वी हैव टू डू, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे उस वक्त तक जब तक हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना मिल जाए। तो डायग्राम को अगर आप देख लें, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी आर हैविंग दिस एज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आपको जो वर्टिकल पे डिस्टेंस मिल रहा है वो बेसिकली डी है, ठीक है। जो हाइपोटेन्यूज पे आपको मिल रहा है दैट इज आर, क्लियर है। व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट बेसिकली दिस डिस्टेंस डी, और आर की वैल्यू है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस वन इन टर्म्स ऑफ आर।
सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें ये एंगल मिल जाए आर और बेस के दरमियान, ठीक है, या कोई भी दूसरा एंगल हमें मिल जाए इस 90 के अलावा, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख लें, इफ दिस इज एंगल अल्फा, तो ये एंगल भी आपके पास अल्फा हो जाएगा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। सो ये कैसे आपके पास हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर, दिस इज हाइपोटेन्यूस आपके पास आर है, दिस इज डी, सो साइन अल्फा दैट विल बी इक्वल टू वर्टिकल बाय हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, सो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू डी बाय आर, ठीक है। सो डी बाय आर से आपने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट डी, तो डी को एक साइड पे कर दें और आर साइन अल्फा आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे यू कैन सी एफ इंटू डी, डी की जगह क्या है, साइन अल्फा इंटू आर, ये आपके पास बेसिकली मोमेंट आर्म है। सो अगर आपको प्रॉब्लम में ऐसा मिल जाए, आपको अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं गिवन, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड आउट दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड द फोर्स के साथ जब वो मल्टीप्लाई करेंगे आपको मोमेंट मिलेगा, अदरवाइज डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सो आपको एग्जैक्ट मोमेंट नहीं मिलेगा, योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, नाउ मोमेंट में हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं। एक इसमें है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ठीक है। सो ये क्या है, लेट्स सी द इफेक्ट ऑफ, द इफेक्ट आर द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग अ गिवन लाइन ऑफ एक्शन विल रिमेन अनचेंज इफ वी शिफ्ट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो लाइन जिसपे आप बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये फोर्स अप्लाई हो रही है पॉइंट बी पे, तो इस फोर्स को इस पॉइंट बी के साथ मैं आगे अगर एक्सटेंड कर दूं, तो मेरे कर्सर को आप देखते जाएं, ठीक है, ये सारा का सारा लाइन ऑफ एक्शन है। तो ये फोर्स अगर मैं यहां पे अप्लाई कर दूं या यहां पे अप्लाई कर दूं या यहां पे अप्लाई कर दूं या इस लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पे भी मैं इसको अप्लाई कर दूं, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप इस फोर्स को अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन कहीं पे भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कर भी दे, लेकिन शर्त क्या है कि वो लाइन ऑफ एक्शन पे वो पॉइंट मौजूद हो, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट सेम होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे अभी अगर आप देख लें, सो ऑन राइट साइड आपके एक फोर्स है, फोर्स एफ, लाइन ऑफ एक्शन उसका गिवन है। सो ये फोर्स अगर आप कहीं पे भी लगा दें, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस पॉइंट ओ जिसके ऊपर आपके पास मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो ये फोर्स इमेजिन करें कि आर वन, आर टू, आर थ्री, ये मुख्तलिफ डिस्टेंसेज है आपके पास, लेकिन अगर आप इस लाइन ऑफ एक्शन के आप क्या कर रहे हैं, फोर्स को मूव कर रहे हैं, पॉइंट्स इसके चेंज कर रहे हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इस पॉइंट पे होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर थ्री होगा, इस पॉइंट पे आर टू होगा, इस पॉइंट पे आर वन होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फोर्स इंटू आर थ्री जो मोमेंट आएगा, इस पॉइंट पे फोर्स इंटू आर टू से वही मोमेंट आपके पास आएगा। तो कहने का मतलब ये कि अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन आप अगर फोर्स को मूव करेंगे तो इसका इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट होगा वो सेम हो, वो इफेक्ट क्या हो सकता है, वो रोटेशन हो सकती है, ठीक है, वो कोई मोशन हो सकता है। इज इट क्लियर? ओके, आपकी तरफ से जब मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता सो आई अज्यूम कि आपको समझ आ गई है, ठीक है, इन दैट यस केस सर, आई विल क्लियर है। मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास है वेरेग्नेंस थ्योरम। वेरेग्नेंस थ्योरम क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल इफ वी आर हैविंग अ फोर्स, एक फोर्स है जो कि एक खास एंगल पे एक्ट कर रहा है, या रिजल्टेंट फोर्स है आपके पास जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है और उसमें वो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, इट इज कॉजिंग रोटेशन इन दैट ऑब्जेक्ट। सो वो जो मोमेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, अगर इस फोर्स के हम कंपोनेंट्स बना लें और हर एक कंपोनेंट का मोमेंट फाइंड आउट करें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें, तो
तो उससे आपके पास जो नेट आंसर आएगा दैट विल बी सेम एज द इनिशियल मोमेंट। सो कहने का मतलब यह है कि द सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इट विल बी बेसिकली इक्वल टू द ओवरऑल मोमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय द टोटल फोर्स। ठीक है, सो वेरिनस थ्योरम क्या कह रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉइंट है पॉइंट ओ हमारे पास, यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देख लें, ये ब्लू कलर में जो आपको फोर्स नजर आ रही है, फोर्स एफ, ठीक है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इस पॉइंट ओ पे कोई मोमेंट क्रिएट कर रहा है। सो मोमेंट क्या होगा, सिंपली फोर्स इंटू दैट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एफ इंटू आर, दैट विल बी द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। अभी अगर हम इसको इसके कंपोनेंट्स में डिजोल्व कर दें, फॉर एग्जाम्पल एफ वन एंड एफ टू में हमने इसको डिजोल्व कर दें, नाउ द मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू एफ वन, फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास है, डिस्टेंस इमेजिन करें कि सेम ही है, फॉर एग्जाम्पल, सो आर तो अपनी जगह पे उसी तरह से, लेकिन फोर्सेस को हमने क्या कर दिया, उसको उसके कंपोनेंट्स वो कर दिया, डिजोल्व कर दिया दो में, एफ वन एंड एफ टू, ठीक है, दो कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी नाउ मोमेंट ड्यू टू कंपोनेंट वन वो हो जाएगा एफ वन इंटू आर, और मोमेंट ड्यू टू कंपोनेंट टू दैट विल बी एफ टू इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको अगर आप ऐड कर दें तो दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू द मोमेंट ड्यू टू द नेट फोर्स, जो कि इनिशियल नेट फोर्स से आपके पास आ रहा था। तो आइदर आपने क्या करना है, फोर्स के साथ टोटल मोमेंट आपने फाइंड आउट करना है, तो उससे जो आंसर आएगा वही सेम आंसर आपको कहां से मिलेगा, इफ यू फाइंड आउट द कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस एंड हर एक कंपोनेंट का अपना मोमेंट फाइंड आउट करके उसको सम अप कर दें। सो दैट इज बेसिकली वेरिग्नस थ्योरम। ओके, वेरिग्नस थ्योरम फॉर करंट करंट फोर्सेस क्या कहता है, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ करंट करंट फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। सो ये देखें, यहाँ पे कुछ कंकरेंट फोर्सेस आपके पास लग रही है। सो वेरिग्नन आपको ये कहता है कंकरेंट फोर्सेस के केस में कि अगर आप इस तमाम फोर्सेस के सेपरेट मोमेंट्स निकाल लें अबाउट पॉइंट और उसको ऐड कर दें, तो उससे वही सेम मोमेंट आएगा कि अगर आप इन चार फोर्सेस के बजाय एक रिजल्टेंट फोर्स निकाल लें और इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ फाइंड आउट कर लें। सो लेट मी रिपीट, मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं आर आपके पास मोमेंट आर्म है इंटू एफ वन प्लस एफ टू जितने भी आपके पास है, दिस इज रिजल्टेंट फोर्स है ना उसका, आर इंटू रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स में एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर जितने भी है, दैट इज बेसिकली इक्वल टू आर इंटू एफ वन मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्लस मोमेंट दैट इज प्रोड्यूस बाय द सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड सो ऑन। सो दैट इज बेसिकली वेरिग्नस थ्योरम। ओके, सो होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, व्हाट स्टडीड सो फार, अभी तक हमने ये पढ़ा कि मोमेंट क्या चीज है। सो दिस इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू कॉज रोटेशन। मोमेंट को हम टार्क भी कहते हैं। ठीक है, फिर टार्क और मोमेंट में क्या फर्क है। सो मोमेंट, इन केस ऑफ मोमेंट हमारे पास क्या होता है, जो मोमेंट आर्म है दैट इज अलोंग द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। इन केस ऑफ टार्क, टार्क आपके पास क्या होता है, दैट इज अबाउट द रेडियल एक्सिस। ठीक है, टार्क की वजह से आपके पास टॉर्जन या ट्विस्ट क्रिएट होता है और मोमेंट की वजह से आपके पास बेंडिंग आती है। ठीक है, ओके, फिर हमने उसके बाद पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमने पढ़ा कि अगर आपके पास कोई फोर्स है, उसका कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और आप अलोंग लाइन ऑफ एक्शन उस फोर्स को मूव करें, सो अगर आप उस फोर्स को लाइन ऑफ लाइन अलोंग दैट लाइन ऑफ एक्शन मूव करते हैं, सो होगा क्या, बेसिकली उसका जो इफेक्ट है वो किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर लें वो सेम रहेगा, लेकिन शर्त है कि अलोंग लाइन ऑफ एक्शन आपने उसको मूव कर।
ठीक है। फिर वेरेग्नस थ्योरम है, वेरेग्नस थ्योरम क्या कहता है कि किसी फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स की वजह से आपके पास जो मोमेंट आ रहा है किसी खास पॉइंट पे, अगर उस फोर्स के आप कंपोनेंट्स निकाल लें, उन कंपोनेंट्स का मोमेंट निकाल के उन तब सब मोमेंट्स को ऐड कर लें, तो दैट विल बी इक्वल टू अ मोमेंट दैट वाज क्रिएटेड बाय द नेट फोर्स। तो ये आपके पास वेरेग्नस थ्योरम है। अच्छा, फिर ये कौन सा बुक है यहाँ सर? पे जी ये कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हैं सर? अच्छा, ये आपकी जो बुक है जेल मेरियम, वहां से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और ये जो एग्जाम्पल है ये भी बेसिकली आपके जेल मेरियम बुक से ही है। अच्छा, बाज़ोकात ये है कि थ्योरी में शायद आपको बेहतर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है, मैं आपकी बुक मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ कंक्लूसिव सेंटेंसेस उठा लेता हूँ, ठीक है, बाज़ोकात किसी दूसरे बुक से कुछ डाल लेता हूँ, ठीक है, और लेकिन जो एग्जाम्पल वगैरह होते हैं या जो प्रॉब्लम वगैरह क्लास में होते हैं वो मैक्सिमम इसी बुक से होते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे अगर आप देख लें, ये आपके पास एग्जाम्पल है, एग्जैक्ट नंबर तो मुझे नहीं याद, मे बी 2-5 होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट अबाउट द बेस पॉइंट ओ ऑफ 600 न्यूटन फोर्स इन 5 डिफरेंट वेव्स। ये जो 600 न्यूटन फोर्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है, रेड कलर में 600 न्यूटन फोर्स, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ आप फाइंड आउट करें, ठीक है। तो 5 डिफरेंट तरीकों से आपने फाइंड आउट करना है। तो 5 डिफरेंट तरीकों से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एक तो ये है कि आप फोर्स को अपनी जगह पे रहने दें और डायरेक्ट इसका जो मोमेंट हम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए वो आप फाइंड आउट करें, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें। एक मेथड तो ये हो जाएगा। एक मेथड ये हो सकता है कि इस फोर्स के आप कंपोनेंट्स निकाल लें और ये जो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई करके, और फाइनली वो जो कंपोनेंट्स के मोमेंट्स है उसको आप एड अप कर, ठीक है। तो इसके बाद और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि हम इस फोर्स को अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पे मूव करें और इसका मोमेंट हम निकालें। एक ये हो सकता है कि हम वेक्टर अप्रोच यूज करें, यूनिट वेक्टर्स निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें वेक्टर्स को एंड वी फाइंड आउट। सो लेट्स सी, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले में हमने क्या करना है, हमने बेसिकली ये जो फोर्स है 600 न्यूटन जो पॉइंट ए पे एक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ए और ओ के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, जिस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे नहीं बल्कि ये जो फोर्स जिस लाइन ऑफ एक्शन पे लग रहा है, ठीक है, इस फोर्स और पॉइंट ओ के दरमियान जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे तो डेफिनेटली वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में देख लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। सो ये डी हम अगर किसी तरीके से फाइंड आउट कर लें तो हमारा ये मसला सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये डी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें, वी आर हैविंग दिस एंगल 40 डिग्री, तो एक रूल है हमारे पास, ओके, वी आर हैविंग अ रूल, सविद कैमरा ऑफ कर दें, सो फिर आपको आवाज वगैरह क्लियर सुनाई देगी और चीजें भी क्लियर नजर आएगी, लोड ज्यादा पड़ जाता है फिर नेट पे। अच्छा, यहाँ पे आप देखें वो रूल क्या है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग एन एंगल बिटवीन एनी टू लाइन्स, ये एक लाइन है 600 न्यूटन की और ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, इसके दरमियान एंगल कितना है 40 डिग्री। सो अगर हम इन दोनों लाइंस को के परपेंडिकुलर ले लें, फॉर एग्जाम्पल इस फोर्स का भी हम परपेंडिकुलर ले लें और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसका भी परपेंडिकुलर ले लें, सो उन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल होगा दैट विल बी सेम एज द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। समझ आ रही है, ये दो लाइन है, देखें ये हॉरिजेंटल है और साथ में ये लाइन है, इसके दरमियान एंगल 40 है। अगर मैं क्या करूं, मैं इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ले लूं और ये जो हॉरिजेंटल है इसका परपेंडिकुलर वर्टिकल हो जाएगा, यहां से एक लाइन ले लूं तो उसके दरमियान भी एंगल क्या होगा 40 डिग्री होगा। सो यहां पे देखें, इस फोर्स का परपेंडिकुलर लाइन ये हो गया और हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर ये वर्टिकल लाइन हो गया, सो यहां पे भी ये एंगल क्या है 40 डिग्री ही है। इज इट क्लियर? अच्छा, सो यहां पे अगर आप देख लें
इस डायग्राम में थोड़ा सा आप देख लें, हमने क्या किया, यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से भी एक लाइन परपेंडिकुलर इसके ड्रॉ कर दी। क्लियर है? अच्छा, नाउ सर यहाँ पे आप देख लें, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ये लेंथ हमारे पास है 4, ये लेंथ है हमारे पास 2। ये 4 हमारे पास है और ये लेंथ भी हमारे पास 40 है। ठीक है, सो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और हमारे पास एंगल भी है, तो क्या हम बेस फाइंड आउट कर सकते हैं? ओके, इफ यू लुक एट हियर, हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस पॉइंट डिस्टेंस। सी और डी समझ नहीं आई, पॉइंट अच्छा देखें, सी और डी। लेट मी शो यू, हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ये डी। क्लियर है यहां तक? हमने क्या करना है, ये यस डिस्टेंस सर, डी फाइंड आउट करना है। सो ये डी, इसको अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें, दैट विल बी समेशन ऑफ D1 और D2। मैंने क्या कर दिया, ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए था, मैंने इसको बी का नाम दिया, इसको सी का नाम दिया, इसको पॉइंट ई का नाम दे दिया। ठीक है, सो पॉइंट ओ सी जो है, ओ से लेके सी तक जो डिस्टेंस है उसको मैंने D1 का नाम दे दिया, और फिर सी से लेके यहाँ इस पॉइंट तक इसको मैंने D2 का नाम दे दिया। सो डी किस चीज के बराबर है, D1 प्लस D2 के बराबर हो गया। अभी ये देखें, दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। है राइट एंगल ट्राइंगल या नहीं है? यस सर, ओके, वी आर हैविंग हाइपोटेन्यूस, ये डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है और एंगल बिल्कुल भी है, श्योर, सो कैन वी फाइंड आउट दिस D1 नाउ? D1 निकाल यस सकते सर, हैं। यस सर, अच्छा, फॉर बिल्कुल सो फ्रॉम ट्राइंगल ओ बी सी वी कैन फाइंड आउट दिस D1। कैसे, दिस D1 विल बी बेसिकली, अच्छा, कॉस ऑफ 40 विल बी बेस्ड यस बाय सर, हाइपोटेन्यूस, बेस बाय तो बेस अपनी अपॉर्चुनिटी, जगह पे रह जाएगा, हाइपोटेन्यूस दूसरी जगह पे, तो D1 विल बी 4 कॉस ऑफ 40 डिग्री। क्लियर यस सर, है? यस अभी सर, हमने निकालने हैं D2। सो D2, ये आप यहाँ पे अगर आप देख लें, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, यस ए सर, ई और ये सी से लेके यहाँ तक। समी यार मोबाइल कर प्लीज। अच्छा, सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अगेन वी आर हैविंग दिस राइट एंगल ट्राइंगल। हमारे पास फिर क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है। हाइपोटेन्यूस कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, ये 2 है, और ये बेस पे हमारे पास एंगल भी गिवन है। ठीक है, ये एंगल गिवन है 40 डिग्री, तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। यस सर, ओके, हमने अभी क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। सो परपेंडिकुलर इस केस में चूंकि वर्टिकल साइड पे, सो एंगल साइन एंगल आपके पास आएगा। सो D2 बेसिकली क्या हो जाएगा, D2 या साइन ऑफ 40 डिग्री, इट विल बी D2 बाय हाइपोटेन्यूस। D2 बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 40 डिग्री, या D2 को एक साइड पे रख दें तो आपके पास क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल T2 साइन ऑफ 40 डिग्री। क्लियर है यहां तक? इसकी समझ नहीं आई डी वन सर, समझ नहीं ये आई। देखें ना, ये अच्छा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास। ठीक है, ये देखें आप, ए बी ई, ठीक है, ए बी ई आपके पास ट्राइंगल है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने ए ई फाइंड आउट करना है। ए ई किस चीज के बराबर है, D2 के बराबर है। ए ई कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, एंगल भी है, हमने वर्टिकल या जो आपके पास वो है, वर्टिकल बाय हाइपोटेन्यूस किस चीज के बराबर होता है, साइन के बराबर होता है, एंगल हमारे पास है, तो साइन ऑफ 40 डिग्री वर्टिकल या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के बराबर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या है, वो है D2, D2 बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है, वो है 2, सो D2 बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, D2 बाय 2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 40 डिग्री, 2 को दूसरे साइड पे कर दे, D2 क्या हो जाएगा, 2 साइन 40 डिग्री। यहाँ पे इस इक्वेशन में उसको पुट कर दें तो आपके पास D हो जाएगा 4 cos ऑफ 40 डिग्री प्लस 2 साइन ऑफ 40 डिग्री। क्लियर है यहां तक? सर ये एंगल O40 किस तरह है? एंगल ऑफ 40 किस तरह है, ये एंगल कितना है आपके पास, क्वेश्चन में गिवन है ना? यस सर, ठीक है, ये वाले देखें, ये गिवन है, तो इसको इस लाइन के पैरेलल मैंने यहां पे लाइन लगा दी है, तो ये तो वही वर्टिकल है, वही हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल के दरमियान और अगर इसके कोई पैरेलल लाइन है
तो इसके दरमियान तो सेम एंगल होगा ना, समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो ये 40 बेसिकली मास है। सो यू कैन सी नाउ डी इज बेसिकली इक्वल टू डी वन प्लस डी टू, ठीक है। यहां से आपने क्या कर दिया, वो निकाल दी, डी की वैल्यू निकाल, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। नाउ इट्स वेरी मच सिंपल, आपने क्या करना है, दिस फोर्स 600 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि डी है आपके पास, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 600 इंटू 4.35। सो आप यहाँ पे देख लें कि जो मोमेंट आपके पास क्रिएट हो रहा है अबाउट पॉइंट टू, वो किस डायरेक्शन में है। जी, किस डायरेक्शन में मोमेंट क्रिएट हो रहा है? एनीवन वांट टू आंसर? क्लॉकवाइज मेड जी एग्जैक्टली, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आइदर आपने आंसर में लिखना है कि मोमेंट इज क्लॉकवाइज, या आपने क्या करना है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा देना है, ठीक है। सो बाय एम इज इक्वल टू एफ डी, द मोमेंट इज क्लॉकवाइज एंड हैज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इसका आ गया 2610 न्यूटन मीटर। क्लियर है? अच्छा, ये एक मेथड हो गया। दूसरे सर। मेथड मेरा में हम क्या क्वेश्चन है करते सर, हैं, क्वेश्चन है सर कि सर जिधर हमने लिखा है सर m इज इक्वल टू एफ डी द मोमेंट इज क्लॉकवाइज थोड़ा एंड थोड़ा हैज द थोड़ा सा मैग्नीट्यूड, थोड़ा सा थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। मुझे एक कॉल आ रही है, ठीक मैं है अटेंड सर। करूँ। समी भाई जी सर, जी सर जी भाई, भाई कैसे है सर? अल्लाह का शुक्र है भाई अरे जान, बेहतरीन फर्स्ट क्लास समझ समझ आ रही है आ रही है यार, थोड़ी थोड़ी आ रही है यार? बस, इतना समझ रहे हैं, ये यार दूसरा चुप वर्ब करे, वाले सुनाओ का के नहीं आ रहा सारे फिर भूल जाए। चुप करो यार, है। समी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे क्लास में। और क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं यार, मेरी तो जिंदगी की ख्वाहिश थी ऑनलाइन क्लास होना। अच्छा, तो आपकी ख्वाहिश पूरी चल होगी, आप अल्लाह बता तक के लिए दुआ करो। बस दुआ क्या करें, क्या कर रहे बस हैं? बस आप बच के रहो यार, वायरस बहुत बुरा है हुआ है। कैलेंडर केंट वाला, केंट वाला, केंट क्या क्या वाला, केंट क्या वाला ब्रो, है, केंट दस वाला। दीदा दस दीदा दा ब्रो अंदर हो चुप जाओ ब्रो, सर, तने ब्रो को एलवी सर ब्रो बोल दे रहा गलती। ब्रो सर करवा तने दे, ब्रो मिस्टर करवा ब्लॉक दे, कर, जरा जरा मोबाइल ना ऑनलाइन चवे कन चवे, जरा मोबाइल ना। अच्छा तो माइक ऑफ कर लेकिन यार देंगे। क्या कर रहे हो यार, माइक ऑफ कर दे कहानी। अच्छा, अगर इन केस क्लास डिस्कनेक्ट हो जाए या टीचर ना भी हो, सो आप जो कुछ बोल रहे हैं वो सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है। रिकॉर्डिंग कंटिन्यू होती है, रिकॉर्डिंग बंद नहीं होती। ओके, सो लेट्स कम टूवर्ड द सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है कि फोर्स के आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स निकालें। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे आप निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ये 600 फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा एक्स एक्सिस में 600 इंटू कॉस ऑफ 40, एक 600 इंटू साइन ऑफ 40 हो जाएगा। साइन ऑफ 40 के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ओ तक कितना है, वो है ये 2 मीटर, और 600 ये यहाँ पे 600 इंटू कॉस ऑफ 40 से लेके यहां तक ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहां तक ये परपेंडिकुलर, ये कितना है, ये 4 मीटर है, ठीक है। सो यहां से आप देख लें हमने क्या कर दिया, हमने कंपोनेंट्स निकाल दिए 600 कॉस ऑफ 40, एक कंपोनेंट, फिर ये दूसरा कंपोनेंट, ये हमने कर दिया। एंड नाउ 600 कॉस ऑफ 40 से हमारे पास क्या था, 460 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, वो मोमेंट प्लस दूसरे फोर्स से, दूसरा जो फोर्स है उसका इस पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमने, वो डिस्टेंस कितना है, 2 है, वो हमने यहाँ पे कर दिया। सो टोटल मोमेंट हमारे पास कितना आ गया, 2610 न्यूटन मीटर, सो दैट विच इज बेसिकली सेम एज द प्रीवियस मोमेंट। क्लियर है यहां तक? यस सर, यस। ओके,
नाउ तीसरा, अभी हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ये है कि इस लॉन्ग लाइन ऑफ एक्शन, इस फोर्स को हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अभी पॉइंट ए पे है, इसको हम यहाँ ऊपर कोई दूसरा पॉइंट बी रख लेते हैं या कोई पॉइंट सी रख लेते हैं, उस पर हम शिफ्ट कर देते हैं। सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल ये देख लें, इस फोर्स को हमने शिफ्ट कर दिया है पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, पॉइंट बी पे जब हमने इसको शिफ्ट किया है और इस फोर्स के हमने कंपोनेंट निकाले F1 और F2, ठीक है, ये दो कंपोनेंट्स हमने इसके निकाले हैं। नाउ वी एक्चुअली वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ड्यू टू F1 एंड F2 अबाउट पॉइंट O। सो ये बताएं F2 की वजह से पॉइंट O पे कितना मोमेंट आएगा, ये एनीवन नथिंग कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जैक्टली उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो मोमेंट आर्म है ही नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन F2 एंड O नहीं है, तो F2 की वजह से सभी माइक ऑफ कर दें। ओके, सो मोमेंट ड्यू टू F2 विल बी जीरो एंड मोमेंट ड्यू टू F1, F1 क्या होगा, दैट विल बी F1 मल्टीप्लाई बाय D1 और साथ में ये डिस्टेंस भी होगा, ठीक है। सो हमने क्या करना है, वी हैव टू बेसिकली फाइंड आउट दिस डिस्टेंस। हमने क्या करना है, हमने साथ में ये डिस्टेंस भी निकालना है। सो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, ये डिस्टेंस आप देख लें, ये 2 हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। पिछले डायग्राम में अगर आप चले जाएं, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2। सो अगर यहाँ पे ये एंगल 40 डिग्री है और इस लाइन को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं, तो ये एंगल भी 40 हो जाएगा, ठीक है। यस सर, सर इनको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी 40 है, तो यहां से मीन आपके पास ये एंगल भी है, ये डिस्टेंस भी आपके पास है, यहां से आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो D1 आपके पास ऑलरेडी है और साथ में ये डिस्टेंस भी आपके हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है ऑलरेडी, 4 ये डिस्टेंस प्लस 2 × tangent 40 डिग्री, वो वही परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 40 वहां से आपके पास बेसिकली आया। सो यहां से आपने वो दूसरा निकाल दिए एंड दिस इज द टोटल मोमेंट आर्म, मीन्स दिस डिस्टेंस प्लस ये जो एक्स्ट्रा यहां से ही आपके पास आए, तो ये मोमेंट आपने निकाल दिए। एक दफा मोमेंट आपके पास आ जाए, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है, जो F1 का मोमेंट है वो और F2 का मोमेंट है दोनों को ऐड कर देना है। F2 का तो मोमेंट है नहीं, वो 0 है, तो सिर्फ F1 का जो मोमेंट है, सो मींस दिस F1 इज इक्वल टू F cos of 40 डिग्री था जिससे 460 आया था, और मोमेंट आपने मल्टीप्लाई करके, ठीक है, वो मोमेंट यहाँ पे लिख देना। सो दिस इज बेसिकली द थर्ड मेथड। अभी फिर क्या किया गया, फोर्थ मेथड में इसको पॉइंट सी पे शिफ्ट कर दिया गया। पॉइंट सी पे जब शिफ्ट करेंगे, सो आपके पास अभी क्या है, इस केस में F1 की वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा, बल्कि सारा का सारा मोमेंट F2 की वजह से होगा। सो F2 मल्टीप्लाई बाय दिस D2, ये D2 अगर आपके पास आ जाए तो सारा का सारा मोमेंट आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो आपके पास है 2 और ये रिमेनिंग डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो यहाँ पे गिवन है, इसको आप खुद देख लें, ठीक है। ये डिस्टेंस आपके पास आ जाए, सो देन ये और ये 2 के साथ ऐड कर दें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है दिस 2 और साथ में ये डिस्टेंस ऐड कर दिए, दे गॉट दिस मोमेंट आर्म, फोर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए एंड यू गॉट दिस मोमेंट, ठीक है। फिफ्थ मेथड क्या है कि आपके पास जो फोर्स है, इसका एक्स कंपोनेंट भी है और इसका वाई कंपोनेंट भी है। इसका एक्स और वाई कंपोनेंट आपने क्या करना है, इसको एज अ आई जे फॉर्म में, यूनिट फैक्टर फॉर्म में आपने इस फैक्टर को लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करे उसके साथ आई, और जे कंपोनेंट फाइंड आउट करे उसके साथ, मीन वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करे उसके साथ जे, आप लिखें, ये फोर्स इन टर्म ऑफ फैक्टर फॉर्म हो जाएगा, और मोमेंट आर्म जो आपके पास है उसको भी आप लिख सकते हैं। तो उस केस में अगर आप देख ले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर है, तो ये 2 I हो जाएगा, और वर्टिकल डिस्टेंस आप देख लें, वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, वो 4 मीटर है, ठीक है, पॉइंट ओ से, तो वो आपके पास 4 J हो जाएगा। तो यहां पे आप देख लें R इंटू एफ,
आर क्या है, 2i+4j हो गया, ठीक है। और आपके पास जो फोर्स है, ठीक है, दैट इज 600 × cos of 40i − 600 × sin of 40j, ये आपके पास हो गया। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, −2610 K, के मीन्स आई जे के वाला जो के है, ये बेसिकली वो के है, न्यूटन मीटर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाईफिकेशन में आपको पता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट है तो इस रूल के मुताबिक आप चलते हैं। ये राइट साइड पे मैंने एक सर्कल दिया भी है आई जे के लिए। आई को अगर जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो के आएगा, के को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो जे आएगा, जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा। अगर इस डायरेक्शन के आप रिवर्स चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल जे को आई से करते हैं या आई, तो फिर जे को आई से करते हैं तो के तो आएगा लेकिन नेगेटिव आंसर होगा। आई को आई से करते हैं 0 आएगा, जे को जे से या के को के से क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो भी 0 आएगा, ठीक है। सो बाय यूजिंग दिस, आपके पास अगर इस तरह कोई चीज आए, इसको मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट दिस आंसर। सो हर जगह पे आपके पास सेम आंसर, ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है आपके पास यहाँ पे, सो दिस इज बेसिकली इंडिकेटिंग मोमेंट आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, यस सर। ओके, सो 1 मिनट ब्रेक लेके फिर प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके सर। तो लड़के कह रहे थे कि आपने हमें लेक्चर 3 और लेक्चर 4 नहीं पढ़ाया क्लास में। सर अगर आपके पास प्रीवियस लेक्चर है सर तो प्लीज काइंडली उसे भेज दे सर PDF के फॉर्म में। प्रबंधक कमरों चुप शिया का यार लेक्चर जरा सर अनिश्चित है क्या रोड तासन के यार। ब्रो कैंट वाला सरस्ते कैंट वाला वसेंट ब्रो वाला फिश को ना उसा मारे ब्रो ब्रो कारवान दे भाई ब्रो चुपचा करा दा करे कन उस्मान सिंह सब्र मचवा यार थे चुपचा चुपचा दे करा ले। ओके आओ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र रे अदनानी कोर्स हो कर खा ब्रो कलंदरा बैडर स्मार्ट थे कना और कना दिलार सो वर्जी ब्रो बैडर खिलाड़ी केंट थे वाला पार पूछो ब्रो अलग कैलकुलस के कम कम कस नानी खराब दे शो माई है कान का करना जोर के नानी खराब कर शो के उस्मान नानी कर कर ये लेका ब्रो सामा करंदरा ऐसे दी ओए ओए खबर ब्रो शे बाहर लेक्चर सब कुछ राशन अपना का भारत दानिया कैंट वाला लेक्चर राशन का करना यार आज जाने मजे से खुद तो गुरु करा दो सेमेस्टर रामा ने बाजे के कैंट वाला सार से पहले टाप की जगह वो था पे मौका उपस्थित कर दिया उदा हम टाप की गोर होता कलंदर से वो दा जिले का गेरो मदद तवे म यार सवाल में नजारी हो तक यार उस पद जरगे के आहो दम खान देसम ग्रुप लीडर कड़े दे नोस यार अखवा से रामा ने सवेनो। बसोर में उसामा हेलो उल्टी तो टोलता पे हेलो ब्रो ब्रो कल अंदर अरसे हो कल अरसे हो कल हेलो माइक यस सर ऑफ कर दे कान। जी सर ओके ये अटेंडेंस भी दोबारा ले ली थी।
ये आवाज सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही है, तुम्हें भी नहीं आ रही? अच्छा आवाज अभी स्टार्ट नहीं हुई? ये सर अभी आवाज आई है। यस सर बिल्कुल। मैं अटेंडेंस दोबारा थोड़ा सा कंपाइल कर रहा हूँ यहाँ पे, इस वजह से। ओके सर। यस सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर जी। ओके। کینټو دا بسو شو کنه څو د خبرې کې یار اوکے سو لیٹس گو بیک ٹو اور کلاس سو کلاس میں دیکھ لیتے ہیں فل سکرین موڈ کر لیتے ہیں اس کو اچھا یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں کوشچن کیا ہے کوشچن ہے پرابلمس آپ بک میں دیکھ لیں نا جتنے بھی ہیں لائک 229 ہے اس میں 230 ہے تو اس میں سے سلائٹلی جو مجھے ڈیفیکلٹ لگا وہ 231 تھا ان تینوں میں سے تو میں نے 231 پک کر لی اچھا پرابلم کیا ہے ایڈیٹر دا مومنٹ یہ چیپٹر 2 کی ہی پرابلم ہے پرابلم 231 اوپر نمبر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یس سر 231 ڈیٹرمن دا مومنٹ آف 50 نیوٹن فورس اے اباؤٹ مینس اس کے دو پارٹس ہیں اے اور بی تو اے پارٹ میں کیا اباؤٹ پوائنٹ او بائی ویریگنس تھیورم پوائنٹ او پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس فورس کا مومنٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اباؤٹ پوائنٹ او بائی یوزنگ ویریگنس تھیورم ویریگنس تھیورم میں کیا ہے کہ فورس کے کمپوننٹ فائنڈ آؤٹ کریں اور دین اس کا مومنٹ نکالیں ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہے اباؤٹ پوائنٹ سی بائی ویکٹر اپروچ پوائنٹ سی کے اوپر آپ فورس فائنڈ آؤٹ کریں بائی یوزنگ ویکٹر اپروچ سو دیکھیے ڈسٹینس فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے کمپوننٹس کیسے ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کمپوننٹ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی اینگل کی فورس تو ہے 50 نیوٹن لیکن اس کا اینگل نہیں ہے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کے ساتھ سو آپ یہ دیکھ لیں انڈائریکٹلی اے پہ دیکھ لیں ایکس اور وائی کی ویلیو گیون ہے اور بی پہ دیکھ لیں ایکس اور وائی کی ویلیو گیون ہے تو یہاں پہ اگر یہ بی پہ جو ویلیو ہے ایکس کی اس کو اگر اے کے ایکس ویلیو سے مائنس کر دیں تو ہمارے پاس یہ ایکس ایکسس آ جائے گا اور سملرلی بی پہ جو وائی کی ویلیو ہے اس سے اگر اے کی وائی کی ویلیو مائنس کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا سو فارمولا کیا ہے فار ایگزامپل یہاں پہ آپ دیکھ لیں اس ڈائگرام میں آپ دیکھ لیں ایکس ون مائنس 15 ہے وائی ون کتنا ہے مائنس 20 ہے سملرلی آپ کے پاس ایکس ٹو کتنا ہے وہ ہے 40 اور وائی ٹو آپ کے پاس 10 ہے سو ایکس کس چیز کے برابر ہوتا ہے ایکس ہوتا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون ایکس ٹو کتنا ہے 40 ہے آپ کے پاس ایکس ون کتنا ہے وہ مائنس 15 ہے سو 40 مائنس مائنس 15 وہ 55 آپ کے پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مائنس آپ کے پاس صرف ڈائریکشن کو شو کر اینڈ دین دوسرا دیکھ لیں وائی ٹو کی اگر ہم وائی کی اگر ہم بات کر لیں وائی ٹو مائنس وائی ون سو اوپر کتنا ہے وائی ٹو 10 ہے اور نیچے وائی ون وہ مائنس 20 ہے سو وائی ٹو مائنس مائنس 20 سو آپ کے پاس یہ کیا ہو جائے گا 30 ہو جائے گا سو دس مینس ایکس کی ویلیو آپ کے پاس 55 ہے یہ ایکس کی جو ویلیو ہے یہ 55 ہو گئی اور وائی کی ویلیو کتنی ہو گئی آپ کے پاس 30 ہو گئی ہے سو اگر ہم y by x کا ٹینجن انورس لے لیں یا ٹینجن تھیٹا ہم فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیں تو یہ ہوگا y by x y 30 ہے اور x آپ کے پاس 55 ہے ٹھیک ہے ٹینجن کو دوسرے سائڈ پہ لے جائیں سو ہم یہ اینگل فائنڈ آؤٹ کر لیں گے 28.6 یہ اینگل ایک دفعہ ہمارے پاس آ گیا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں یونٹ فیکٹر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں مینس ایف ایکس آئی پلس ایف وائی جے ایف ایکس کیا ہے ایف کاس تھیٹا ایف سائن تھیٹا ایف وائی کے برابر ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کر دیا یہ آپ دیکھ لیں ایف کاس تھیٹا جب ہم کریں گے ایف کاس آف 28.6 ایف آپ کے پاس کتنا ہے 50 نیوٹن ہے تو اس سے 43.9 آپ کے پاس آ جائے گا اور ایف سائن تھیٹا جب کریں گے سائن 28.6 ملٹیپلائی بائی 50 فورس تو اس سے آپ کے پاس 23.9 جے آ جائے گا سمجھ آ رہی ہے تو ایف ایکس کس چیز کے برابر ہے ایف ایکس ہو جائے گا 43.9 اور ایف وائی آپ کے پاس ہو جائے گا 23.9 ٹھیک ہے یہاں تک امید ہے کہ کلیئر ہو چکا ہوگا یس سر سر یہ پلس میں آئی اور یہ اسی طریقے سے رہتے ہیں ملٹیپلائی میں سر چلے جاتے ہیں مطلب آئی ملٹیپلائی بائی آئی ون ہو جاتا ہے دوبارہ سمجھ نہیں ہے مجھے کیا پوچھا آپ نے سر میں بول رہا ہوں کہ ایڈیشن جیسے کرتے ہیں آئی جے کے پلس ہاں ہاں ایز اٹ از رہتے ہیں ایز اٹ از رہتے ہیں یس سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر اوکے پھر آپ دیکھیں سو ایف ایکس جو میں نے آپ کو بتایا وہ دونوں اس کے میگنیٹیوڈ ہمارے پاس آ گئے ہیں ٹھیک ہے نو ہم نے کیا کرنا ہے پوائنٹ او پہ یہ مومنٹ نکالنا ہے پوائنٹ او پہ مومنٹ نکالنا ہے اس فورس کی وجہ سے
ठीक है, तो एफ एक्स का डिस्टेंस इस पॉइंट ओ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो आप यहां से देख लें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट तक दैट इज अबाउट 20, 20 है ना, इस पॉइंट से देखिए इस पॉइंट तक ये वाई में डिस्टेंस एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर वो 20 हो जाएगा, और जो एफ वाई का जो कंपोनेंट है इसका लेके यहां तक की जो डिस्टेंस दैट इज 15। सो उस बेसिस पे हमने कर दिया इसको, ठीक है, एंड वी गेट दिस मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस, एम एक्स एम वाई हमारे पास आ गया, दोनों को एड कर दें तो वी गेट नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। सो नेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ आपके पास पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि ये काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपके पास मोमेंट है। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा क्या करना है? Yes. हमने वेक्टर अप्रोच यूज करना है। वेक्टर अप्रोच ये है कि हमने फोर्स, दिस फोर्स और अबाउट पॉइंट सी हमने ये निकालना है मोमेंट। तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल लें, एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, लाइक आई और जे के फॉर्म में होना चाहिए। मीन्स एक्स की वैल्यू के साथ आई लिख दें, वाई के साथ जे लिख दें, तो ये आपके पास आर वेक्टर हो जाएगा, और एफ के ऑलरेडी हमारे पास आई जे फॉर्म में है, हमारे पास वेक्टर फॉर्म में है। सो नाउ बाय यूजिंग वेक्टर, सो यहां पे आप देख लें इसको, इसको अगर इस वेक्टर को हम आगे अगर मूव करें, ये देख लें इसको मैंने इस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे मूव कर दिया। पॉइंट बी तक मैं क्यों मूव कर रहा हूं? मैं इस वजह से मूव कर रहा हूं क्योंकि मैंने पॉइंट सी और इस लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, जो कि पॉइंट बी पे आ रहा है मेरे पास। ये देखें, इसके दरमियान और जो बी के दरमियान, ये हमारे पास ये डिस्टेंस यहां पे बेसिकली आ रहा है। ओके, अच्छा, सो पॉइंट बी तक हमने इसको मूव कर दिए, इस फोर्स को यहां से आप देख सकते हैं बी पे है, बी तक आपने इसको ले आए हैं, और नाउ वी हैव टू फाइंड आइदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस या यहां से एक्स और वाई की वैल्यू आप देखें। ठीक है, यहां से क्या करें, ये एक्स और ये वाई की वैल्यू। सो अगर फोर्स आप यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट बी पे अप्लाई कर रहे हैं, और आपने आर वेक्टर फाइंड आउट करना है, उसकी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये देख लें, यहां से एक्स कितना दूर है, ठीक है 40, और यहां से देखिए पॉइंट पॉइंट बी और पॉइंट सी में वाई में कितना डिफरेंस है, सी 25 और ई 10 है, तो दिस मीन्स डिस्टेंस वाई में आपके पास 15 हो जाएगा। ठीक है, सो यहां पे मैंने क्या किया, ये जो आपके पास एक्स कंपोनेंट है इसका, इसका डिस्टेंस हो जाएगा 40, और जो वाई आपके पास है 25 माइनस 10 हो जाएगा, तो ये आपके पास 15 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, सो चूंकि फोर्स अगर मैं यहां पे इसको ऐसे कर देता हूं, यहां पे आपके पास इस पॉइंट सी और इसके दरमियान आपने ये डिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट तक आने के लिए आपके पास वाई में जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव में होगा, मीन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो वाई की वैल्यू आपके पास 15 थी वो माइनस 15 जे हो जाएगी, और एक्स की वैल्यू आपके पास 43, तो पॉजिटिव एक्स में हम जा रहे हैं, वो आपके पास 40 आई हो जाएगी। तो ये मैंने 40 आई माइनस 15 जे, ये आर वेक्टर निकाल दिए यहां से, इसको मल्टीप्लाई कर दिया एफ वेक्टर के साथ जो पहले हम निकाल चुके थे। ठीक है, और अगेन उसी तरीके से जिस तरीके से एग्जांपल में हमने किया था, इसको इस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आई आई भी का क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा, आई जे भी आएगा। सो जो जो वैल्यूज आती हैं जिससे प्लस माइनस जो भी आता है वो आप आगे पीछे करते जाएं, एंड यहाँ पे मोमेंट क्या आएगा अबाउट पॉइंट सी 1614.5 के आपके पास यूनिट फैक्टर है न्यूटन मिलीमीटर, या आपके पास आंसर डिवाइड बाय 1000 कर दे, सो 1.6145 के न्यूटन मीटर हो सकता है, मिलीमीटर आपके पास मीटर हो जाएगा अगर आप 1000 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट नहीं लाइक 31 प्रॉब्लम 231 था ये आपका। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहां तक क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, यस सर। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पे अगर आप अभी देख लें, बाज़ औक़ात प्रैक्टिकल सिनारियोज में आपने क्या करना होता है, ये सेम चीज अप्लाई करनी होती है। ठीक है, और उसमें ये फोर्स एनालिसिस आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी सामने यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक टैप है आपके पास, उस टैप को एक बंदा रोटेट कर रहा है या बंद कर रहा है या खोल रहा है। ठीक है, सो वो बंदा अप्लाई कर रहा है
अ फोर्स ऑफ अबाउट 120 न्यूटन एट पॉइंट ए, जो उसका हैंडल है, और जिस पॉइंट पे ये इसका जो हैंडल है, हैंडल के साथ जो आपके पास जो कंपोनेंट लगा हुआ है, ठीक है, वो हिंज कहाँ पे हुआ है, वो पिविटेड कहाँ पे है, वो पॉइंट ओ पे पिविटेड है, ये आप देख सकते हैं। तो इस फोर्स 120 न्यूटन की वजह से आपके पास रोटेशन आ रही है इस कंपोनेंट में अबाउट पॉइंट ओ, या मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और यहां से आपको नजर आ रहा है कि मोमेंट आपके पास क्या होगा, क्लॉक वाइज होगा। सो क्वेश्चन में देख लें, इन स्टेडली टर्निंग द वाटर पंप, अ पर्सन एग्जर्ट द 120 न्यूटन फोर्स ऑन द हैंडल एज शोन। पर्सन ने क्या किया, 120 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया हैंडल पे, जो कि शो किया गया। डिटरमिन द मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, आपने क्या करना है, इस फोर्स 120 न्यूटन का अबाउट पॉइंट ओ क्या निकालना है, मोमेंट निकालना। सो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखें, इन्होंने यहाँ से पॉइंट ए और ओ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 mm है, ठीक है। फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एंगल बन रहा है दैट इज अबाउट 15 डिग्री, और यहाँ पे अगर आप देखें ये हॉरिजॉन्टल और इस फोर्स के दरमियान, मींस ये एक लाइन तो ये है ना हैंडल के अलोंग, जो हैंडल की जो लेंथ शो की गई है, अगर इसको हम एक्सिस ऐसे मान लें, लाइक इसको टेंजेंशियल एक्सिस हम मान लें, कि इस एक्सिस के, इस हैंडल के जो एक्सिस टच कर रही है, इसको टेंजेंशियल टी का नाम दे दें, तो इसके जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगी, वो नॉर्मल हो जाएगी। तो वो जो एक्सिस के साथ एंगल बना रही है ये हो जाएगी 20 डिग्री। थोड़ा सा वेट कर लें काइंडली। यस सर, जी, रिकॉर्डिंग के माता सेंड कहा अकाउंट वाला खूब रागले दे खूब अलग अलग गेम टीम दे अकाउंट वाला गले शा ब्रो क्रिकेट द रिकॉर्डिंग में भैया सेंड कई सर कनासी साहब। अरे लेकिन अलग सर तो वो शुरू रिकॉर्डिंग द रिकॉर्डिंग सेंड की बेगा ना, मतलब सर वी रिकॉर्डिंग द वन द टोलर सो क्या क्लास द स्टार्ट ना होस्ते सर अब लेक्चर बरता दर्शन के लेक्चर क्लास। हेलो ब्रो 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 स्टार्ट ना रस्ते। हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी? अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आप देख लें, सो इस केस में क्वेश्चन में कोई गिवन नहीं है कि आपके पास एन या टी कोई एक्सेस हो सकती है, लेकिन हम अपनी तरफ से कर लेते हैं कि लेट्स से ये जो लेंथ है इसको अगर हम टेंजेंशियल एक्सेस अपनी तरफ से एक डिफाइन कर लें, ये टेंजेंशियल एक्सेस हो जाएगी, तो इसके जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगी ना टेंजेंशियल के। सो नॉर्मल जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो कितना है, वो 20 है, ठीक है। या इन अदर वर्ड ये जो 120 न्यूटन फोर्स है ये नॉर्मल के साथ एंगल जो बना रहा है वो एंगल है अबाउट 35 डिग्री, और ये जो एंगल बना रहा है किसके साथ, इस टेंजेंशन के साथ, ठीक है, वो कितना होगा, 35 को अगर आप उससे निकाल लें 90 से तो वो आपके पास आ जाएगा। तो मींस हम क्या कर सकते हैं, इस फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हैं। इसको मैंने फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दिया। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे है, फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है, और जो इसका एक्सिस है इसको मैंने टी का नाम दे दिया, ठीक है। सो अप टिल पॉइंट ओ भी मैंने शो कर दिया। ये रेड कलर से आप देख लें, सो ये जिसका जो परपेंडिकुलर है वो एन हो गया, इज इट क्लियर। ग्रीन कलर से मैंने फोर्स को शो किया हुआ है। सो आप अभी देख लें, दो दो सिस्टम ऑफ एक्सिस है हमारे पास, एक एक्स वाई है और एक एन टी हो गया हमारे पास। सो फोर्स जो एंगल बना रहा है हमारे पास एन के साथ वो कितना एंगल है, 15 + 20, ये आपके पास हो गया 35। सो अगर मैं इस फोर्स के कंपोनेंट निकालना चाहूं अलोंग एक्स अलोंग वाई तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपल आपके पास एफ कॉज ऑफ 15 और एफ साइन ऑफ 15 हो जाएगा।
अगर मैं इसके कंपोनेंट्स अलोंग एन और टी फाइंड आउट करना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, एफ कॉज ऑफ 35 डिग्री एंड एफ साइन ऑफ 35 डिग्री आपके पास हो जाएगा। समझ आ रही है ना? अच्छा, अगर मैं ये एफ एन फाइंड आउट कर लूं, एफ एन फाइंड आउट कर लूं, यहां पे एफ एन किस चीज के बराबर होगा, एफ का कंपोनेंट अलोंग एन एक्सिस, सो दैट विल बी एफ एन कॉज ऑफ 35 डिग्री, वो कंपोनेंट आ जाएगा, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट पॉइंट ओ है वो ऑलरेडी गिवन है, वो कितना है, 150 mm है। और अगर एफ टी फाइंड आउट कर लूं तो एफ टी की वजह से अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में आप देख लें, मैंने एफ टी फाइंड आउट किया हुआ है, एफ एन फाइंड आउट किया हुआ है, एम डॉट ड्यू टू एफ टी वो कितना है, वो जीरो है, एम डॉट ड्यू टू एफ एन कितना है, दैट इज अबाउट 1.4747 Fn multiply by 150 मैंने कर दिए। यूनिट क्या होगा, जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, जो डिस्टेंस का है वो मिलीमीटर है इस केस में, सो दैट इज न्यूटन इनटू मिलीमीटर। सो अगर आपने मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 1000 पे डिवाइड कर दें, ठीक है, सो जो टॉर्क आपके पास आ रही है वो काउंटर वो क्लॉक वाइज है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्लॉक वाइज, आइदर यू हैव टू पुट नेगेटिव साइन या आपने साथ में लिख, इज इट क्लियर? सो दिस वॉज बेसिकली द आंसर। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर, जरा रिपीट करें प्लीज। रिपीट करूं, यही जो ये लास्ट में लास्ट चलो समझाए प्लीज। अच्छा देखिए, डायग्राम को आप देखिए, डायग्राम पे इन्होंने कहा ये फोर्स है 120 न्यूटन फोर्स, ठीक है, इस 120 न्यूटन फोर्स की वजह से जो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ आ रहा है, डेफिनेटली जब उसको रोटेट कर रहा है हैंडल को तो मोमेंट आएगा ना अबाउट पॉइंट ओ, तो आपने वो फाइंड आउट करने, तो एक तो ये है कि एक्स और वाई कंपोनेंट निकाल के और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के वो फाइंड आउट करें। दूसरा ये है कि आप देख लें, ये यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस गिवन है पॉइंट ए से लेके ओ तक, मीन्स ये जो लाइन आ रही है ये इस हैंडल के अलोंग आ रही है, तो उसको हमने कह दिया ये लाइन क्या है, टेंजेंट है इस हैंडल के, इसको टेंजेंशियल एक्सिस का नाम दे दिया, इसके परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर दिया उसको हमने नॉर्मल का नाम दे दिया, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, नॉर्मल है, इस वजह से नॉर्मल का नाम दे दिया, तो दो एक्सिस होगी एन और टी। अच्छा, ये जो फोर्स है एक्स के साथ 15 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये फिर नॉर्मल के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जब हमने फ्री बॉडी डायग्राम पे यहाँ पे ऐसे शो किया, तो ये एफ एक्स के साथ क्या बना रहा है, 15 डिग्री का एंगल, और एन के साथ 35 डिग्री का। तो अगर मैं इस एफ का कंपोनेंट अलॉन्ग एन फाइंड आउट करना चाहूँ और अलॉन्ग टी करना चाहूँ, तो क्या करूंगा, मैं ये एंगल 35 यूज करूंगा, सो एफ एन क्या हो जाएगा, एफ कॉस 35, एफ टी एफ साइन 35, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया। अभी एफ एन तो यहाँ पे होगा, उसकी वजह से एफ एन की वजह से अगर आप देख लें, कोई फोर्स आपके पास कोई कंपोनेंट इसका मीन्स यहाँ पे मोमेंट नहीं करेगा एफ टी का, लेकिन एफ एन जो है उसका और इस पॉइंट के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो उसकी वजह से मोमेंट प्रोड्यूस होगा, वो मोमेंट हम फाइंड आउट कर लें। ये आपके पास आंसर पूरा सोल्यूशन है, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर, ओके। इनिशियली इस क्लास में मेरा बहुत ज्यादा टाइम लगे, क्योंकि पहले मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, फिर उसके बाद इसका ऑलरेडी सोल्यूशन मैंने अवेलेबल भी है, लेकिन उसमें एक तो यह है कि वो बाजू का फुट पाउंड सिस्टम में क्वेश्चन है, और दूसरा है उसमें इतना ज्यादा तो ये इसमें मसला ये होता है कि पहले आप सॉल्व करते हैं नीट एंड क्लीन, फिर उसके बाद उसको स्कैन करते हैं, फिर यहाँ पे पीपीटी बनाते हैं, सो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बेइंतहा ज्यादा। आपको अगर मैं कल 6:30 बजे से लेके सुबह की अजान तक ये एक पीपीटी सिर्फ बनी है, आप इसके अपलोड टाइम अगर देख लेना ये फाइल की, तो आपको अंदाजा हो जाएगा सर। ये स्क्रीन को देख देख के बहुत आंखों में आंसू भी आ जाते हैं सर, और से देखो तो ऑनलाइन में थोड़ा सा ये मसला है कि इंटरेक्शन कम होती है ना, तो सामने आप होते नहीं है, वो स्क्रीन वगैरह पे ही आपने फोकस करना होता है, इधर उधर आप नहीं देखते, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला होता है, थोड़ा सा बोरिंग होता ही है, लेकिन अगर समझ आ रही है तो सही है, ठीक है, थोड़ी सी सख्ती सही है। बिल्कुल सर, पढ़ना मजबूरी है, बहुत हेवी फाइल, ओपन नहीं हो रही है, आप ईसीआर को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं।
वो हमें दे देगा जी। दोबारा 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 मुझे समझ नहीं। सर आपने जो बुक्स भेजे है सर, ये सोल्यूशन मैनुअल के सर, ये ओपन नहीं हो रहे सर, हम भेज देगा यहाँ पे नहीं। अच्छा ये मैं ऑलरेडी मेरे ख्याल में सीआर को पहले दे भी चुका हूँ। ओके सर, मैं पूछूंगा उससे। अच्छा पूछ लेंगे सर, उसके पास नहीं होंगे सर, अगर आप दोबारा उसे दे देंगे तो बहुत अच्छा। मैं नहीं, अगर नहीं हुआ तो मैं दोबारा दे भी दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है, मैं दोबारा दे दूंगा। और अभी जब आप ये लेक्चर बंद करेंगे फिर आप इसको ओपन कर दें, तो फिर ओपन नहीं हो रहा या डाउनलोड नहीं हो रहा सर? ये ओपन ही नहीं हो रहा सर, ओपन ही नहीं हो रहा सर, बहुत हेवी फाइल है, लार्ज है, टू लार्ज। ओके सही, ठीक है, मैं फिर देख लेता हूँ कुछ कर लूँ। अच्छा ये अवेलेबल भी है, अगर आप गूगल में सर्च कर लें आपको मिल भी जाएगा। ठीक है सर, ये आप गूगल ड्राइव पे क्यों नहीं डाल देते सर? ड्राइव अकाउंट दे दे सारे, उधर से डाउनलोड कर लेंगे सर। तो ये मैंने आपको जो अभी दिया है ये गूगल क्लासरूम में, गूगल ड्राइव अकाउंट ही है ना? बस सर, क्या मसला है सर इनको? तो इसको आप ओपन करेंगे, आप गूगल ड्राइव में चले जाते हैं, वहां से आपको फाइल मिलती है। ओके अच्छा देखें, एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, प्रॉब्लम 235। प्रॉब्लम 235 में क्या है, व्हाट यू हैव टू डू बेसिकली, अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन इज अप्लाइड टू द गियर डिटरमाइन एफ अबाउट पॉइंट ओ। ये फोर्स है आपके पास, आपने क्या करना है, इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट आ रहा है अबाउट पॉइंट ओ, तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, वाई की वजह से मोमेंट होगा पॉइंट ओ पे, एक्स की वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा। बस सिंपली आपने इसका कंपोनेंट निकालना है और मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना। सो दिस इज द प्रॉब्लम, क्लियर है? यस सर, ये हो जाएगा, ये आसान है। ओके अच्छा सर, ये जी सर, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखें, एज अ ट्रेलर इज स्टोर्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, द फोर्स एफ is equal to 500 newton is applied as shown to the ball of the trailer hitch, determine the moment of this force about point O. अच्छा बेसिकली है क्या, वो ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह आपके पास नहीं होती, उसके जो ज्वाइंट्स लगे होते हैं, तो कह रहा है कि अगर ट्रॉली आगे मूव होती है या ट्रेलर आगे मूव होता है, तो इस बॉल के ऊपर जो टेंशन आ रही है, ऊपर से ये देखे कोई फोर्स वगैरह पड़ रही है, वो 500 न्यूटन है। ठीक है, उसका एंगल वाई के साथ 30 डिग्री है, और इस बॉल का साइज गिवन है, और आपने क्या करना है, इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ निकालना। क्लियर है यहाँ तक? तो इसका आपने सिंपल तरीका क्या है, इसके कंपोनेंट्स निकालने, एफ एक्स निकालने, एफ वाई निकालने। वो तो आप निकाल सकते हैं एफ एक्स एफ वाई, क्योंकि एंगल गिवन है। एफ वाई का मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, उसके लिए ये मल्टीप्लाई कर दें 275 mm, जो है मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 0.275 हो जाएगा। ठीक है, और जो एफ एक्स कंपोनेंट है उसका पॉइंट ओ तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 38 mm है। ठीक है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं, देखें राइट साइड पे 500 इंटू कॉस ऑफ 30 और 500 इंटू साइन ऑफ 30, दोनों का आप एडअप कर दें। ठीक है, सो आपके पास मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ आ जाएगी। ठीक है, सो यू आर हैविंग दिस एफ एक्स एफ वाई, और ये आपके पास यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम एंड 683 न्यूटन मिलीमीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मोमेंट जो होगा अबाउट पॉइंट ओ वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, डायग्राम से भी क्लियर है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो आप किस तरह डायरेक्ट नहीं करना होगा, बल्कि यू हैव टू राइट गिवन डेटा, देन यू हैव टू राइट रिक्वायर्ड, देन डायग्राम, आपने डायग्राम बनानी, देन फाइनली यू विल गो थ्रू द सॉल्यूशन, फाइनल स्टेज आपका सॉल्यूशन होगा फिर। और साथ में ये तो सर मतलब इतने लंबे लंबे सर एमसीक्यू, इतने लंबे लंबे न्यूमेरिकल है सर, और इन केस अगर मिड या फाइनल सर एमसीक्यूज में आ जाता है तो सर फिर क्या करेंगे सर? यार अगर लेट्स से ये आ जाता है ना, ये आ भी जाता है, तो इस पे कितना टाइम लगता है? अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो ठीक है, तो इस पे दो मिनट भी नहीं लगते, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम वो हो जाए, इतनी मैग्नीट्यूड का प्रॉब्लम हो, 5 मिनट में हो जाएगा, चले 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर जो ऊपर वाले थे सर, हाँ वो वही मैं कह रहा हूँ ना कि आपको जो प्रॉब्लम थी, अभी देखिए मैं आपको जब करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं बैठ के उसको सॉल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जब पेपर होगा उससे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा ना, फिर आपको दिया जाएगा, तो वो टाइम का अंदाजा हो जाता है। ओके अच्छा फिर यहाँ पे आप देखते हैं इस प्रॉब्लम में, एक रोबोटिक आर्म है,
इस रोबोटिक आर्म में अगर आप देख लें पॉइंट ओ पे और ये पॉइंट जी पे, इसका सारा का सारा वेट पड़ रहा है, वो आर्म का अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, ठीक है। तो इसका जो मास है वो 2.3 है, वेट इसकी वजह से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इन टू जी, जी से मल्टीप्लाई कर दें 9.81 से। हाथ में साथ में एक बॉल भी है, उस बॉल का जो मास है 3.6 kg है, तो इसकी वजह से जो डाउनवर्ड वेट है वो 9.81 हो जाएगा, ठीक है। हाथ का जो मसल है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो मसल में क्या होगा, टेंशन है, क्योंकि मसल हाथ को ऊपर की तरफ वो कर रहा है फोरआर्म को, और बाकी फोरआर्म अपने वेट की वजह से और बॉल की वजह से वो नीचे की तरफ मोशन कर रहा है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये हाथ बिल्कुल यूनिफॉर्म कंडीशन में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे, बॉल भी इसमें पकड़ा हो और ये डाउनवर्ड मूव ना करें या अपवर्ड मूव ना करें, ठीक है, तो उसके लिए टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ टी। तो अच्छा देख लें क्या क्वेश्चन क्या है, एलिमेंट्स ऑफ लोअर आर्म आर शोन इन द फिगर, द मास ऑफ फोर आर्म इज 2.3 kg विद मास सेंटर एट जी, determine the combined moment about the elbow pivot O of the weight of the foam arm and 0.6 kg homogeneous sphere. What must the bicep tension force be so that the overall moment about O is zero? ठीक है, कि इस पॉइंट O पे जो नेट मोमेंट हो वो जीरो हो, मीन्स ऊपर की तरफ मोमेंट और नीचे की तरफ जो मोमेंट है वो बराबर हो। सो हम क्या करेंगे, हम इसका ये देख लें, यहाँ पे इसके दरमियान और वर्टिकल के दरमियान एंगल 55 है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है 150 mm है, ठीक है, और ये यहाँ पे कोई एंगल वगैरह नहीं, तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। फ्री बॉडी डायग्राम में ये 150 mm हो गया, इसका एंगल 155 डिग्री हो जाएगा, और ये आपके पास जी से एक एज इट इज, सो वेट नीचे एड कर रहे हैं 2.3 इंटू 9.81, आपके पास यहाँ पे जो वेट है वो आ जाएगा, इस बाल की वजह से जो वेट आ रहा है नीचे वो 3.6 into 9.81, ये डाउनवर्ड आ जाएगा। हाथ इसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो हाथ ये मसल पे जो फोर्स आ रहा है या मसल जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, समझ आ रही है। अच्छा हमने क्या करना है, अबाउट पॉइंट ओ ये सारा का सारा मोमेंट जीरो होना चाहिए। सो इन दोनों का, ये हाथ के अपने वजन की वजह से और ये जो स्फीयर है इसके मास की वजह से आपके पास डाउनवर्ड फोर्स आ रही है, इसकी वजह से जो मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ आएगा कंबाइंड मोमेंट, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दें। कंबाइंड मोमेंट ऑफ फॉर्म फोर आर्म एंड स्फीयर एट पॉइंट ओ वो क्या होगा, दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो तो हमारे पास फॉर टाइम बीइंग है ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट करेंगे। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए ये 150 mm है, ये 55 डिग्री है, हमने क्या करना है, ये डिस्टेंस निकालना, समझ आ रही है ना। हमने क्या करना है, इस पॉइंट जी पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इसके दरमियान और पॉइंट ओ के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख लें ये राइट एंगल ट्राइंगल है, सो बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये हम निकाल सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज है, आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है क्योंकि एंगल यहां पे है, तो ये क्या हो जाएगा 150 mm आपके पास, अगर आप ये निकालना चाहें, ठीक है, तो 150 इंटू साइन ऑफ 55 डिग्री आपके पास ये डिस्टेंस हो जाएगा। सो दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, आपके पास इसकी वजह से यहां पे मोमेंट आ जाएगा। सो देखिए दिस फोर्स 2.3981 मल्टीप्लाई बाय द मोमेंट आर्म जो कि है 150 इंटू साइन ऑफ 55, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ओ पे जो मोमेंट आ रहा है, मोमेंट क्या है, नेगेटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव का साइन। अभी इस फोर्स की वजह से देखें, फोर्स क्या है 3.6 इंटू 9.81 दिस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिल दिस पॉइंट जो कि 325 है, तो दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो भी नेगेटिव है, वो भी मैंने यहाँ पे पुट कर दी, दोनों को आप एड अप कर दें, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, मोमेंट at this point due to these two things -1425.1, समझ आ रही है। अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नेट मोमेंट इस पॉइंट पे जो है ओ पे जीरो होना चाहिए, मीन्स इसका मोमेंट, ये जो टार्क टेंशन ऊपर जा रही है इसकी वजह से अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट कितना है, दिस टी मल्टीप्लाई बाय दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, यह इस डायग्राम से आप देख ले 50 mm है।
सो टी मल्टीप्लाई बाय 50 mm, ये जो टार्क है ये माइनस 1425.1 के बराबर है। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, अब देखिए नेट मोमेंट जीरो है, सो टी इंटू 50 वो पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है, माइनस एम नॉट इंटू 1 अगर इसको आप माइनस कर दें तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, क्वेश्चन में ये कहा गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख लें इस केस में एम नॉट 1 दूसरे साइड पे चला जाएगा, 50 भी दूसरे साइड पे चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा टी, टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। ओके अच्छा, फिर प्रॉब्लम थोड़ा सा आप काइंडली वेट कर लें। अरे कदा संग हो कैलेंडर तो हो पोयना शमूद हो मां नाउ चेस का रुदार तसिश तनाशते केन फायदा शोक दे नजर आने की यार माले वाला यानी ब्रो ब्रो पुईगी ब्रो पुईगी ब्रो ब्रो पर से पोए दे ब्रो तुम पोएगी गल शरम वाला बोर डेर बोरिंग रे वल्ला दस दे यार ब्रो गेम लतल वाड़े ब्रो गेम। हेलो यस सर। अच्छा अभी आप देख लें यहाँ पे प्रॉब्लम 241 ठीक है, 241, 243, 248, 49, 52, 53 इस पे आप खुद ट्राई कर लें। ठीक है, 41 थोड़ा सा आपको बता yes. देता हूँ इसमें क्या है, 150 न्यूटन पुल जो टेंशन आपके पास यहाँ पे आ रही है ठीक है इस डिस्क के ऊपर या ये जो आपके पास एक स्फीयर है या रोलर है यहाँ पे 150 न्यूटन ये टेंशन अप्लाई कर रहा है ठीक है या खींच रहा है इसको। अप्लाई टू अ कर्व व्हिच इज वाउंड सिक्योरली अराउंड द इनर हब ऑफ ड्रम, ड्रम के इनर हब के इर्द गिर्द ये लपेटा हुआ है। डिटरमिन द मोमेंट ऑफ टी अबाउट ड्रम सेंटर, आपने इसकी वजह से क्या करना है इस मोमेंट इसके यहाँ पे पॉइंट सी पे जो फोर्स जो मोमेंट आ रहा है वो फाइंड आउट करना है। सो ये देखें ये डिस्टेंस कितना है, इसका रेडियस कितना है, 125 mm है। सो सिंपली दिस टी मल्टीप्लाई बाय दिस रेडियस, इस पॉइंट पे आप देख लें ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो आपके पास यहाँ से मोमेंट आ जाएगा। फिर इसने यहाँ पे क्या कहा हुआ है, एट व्हाट एंगल थीटा शुड टी बी अप्लाइड सो दैट द मोमेंट अबाउट द कॉन्टेक्ट पॉइंट पी इज जीरो। कॉन्टेक्ट पॉइंट पी पे मोमेंट कब जीरो हो सकता है, उस वक्त जीरो हो सकता है कि अगर आप ये जो टेंशन है इसको इस पॉइंट पी पे अप्लाई कर दें। ठीक है, तो पॉइंट पी पे जब आप इसको अप्लाई करेंगे और ये जो टी है टॉर्क आपके पास उस केस में जो थीटा बनाएगा वो थीटा आपने फाइंड आउट करना है। सो मैं इस तरह कर लेता हूँ, सॉल्यूशन मैनुअल थोड़ा सा शेयर कर लेता हूँ, सॉल्यूशन मैनुअल मेरी सॉल्यूशन में सिक्स्थ एडिशन अच्छा सॉल्यूशन मैनुअल में मैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि प्रॉब्लम कैसे आपको नजर आए।
ठीक है, अभी देखिए 217 है ना यहाँ पे, इसमें ऊपर जाए 2168, 169, फिर 217 आ गया, फिर 170, 171। सो हमने कौन सा प्रॉब्लम देखना था, नंबर क्या था प्रॉब्लम का? प्रॉब्लम का नंबर था 241। ठीक है, बल्कि मैं इस तरह कर देता हूँ, इंटायर स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, इसको स्टॉप एंड जो लेक्चर है हम दोबारा से सुन सकते हैं। आई डोंट नो, मैं चेक कर लूंगा। पिछली क्लासेस में मैंने 8 सेमेस्टर के साथ की, लेकिन उसकी वॉइस क्वालिटी जब दोबारा मैंने चेक की तो ज्यादा अच्छी नहीं थी। अच्छा इसको देखें, ये प्रॉब्लम है 241 और सॉल्यूशन मैनुअल मैं खोल लेता हूँ 241 के लिए। देखिए ये 220, 221, 25, 6, 7, 8, ये 31 अभी आ गया, 32, 33, 4, 5, 6, 7। सो ये देखिए 4 आ गया, 40 आ गया, ये 41 आपके पास है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये आपको नजर आ रहा है डायग्राम? सो अगर पॉइंट पी पे आप अप्लाई करेंगे ना, तो एंगल जो हॉरिजेंटल के साथ ये बना रहे, ये थीटा है, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है बेसिकली। टी आपके पास ऑलरेडी है और ये आपके पास ऐसे हो जाएगा, इसका अगर आप परपेंडिकुलर टूवर्ड्स द सेंटर लेंगे तो इस फोर्स के परपेंडिकुलर और हॉरिजेंटल के परपेंडिकुलर के दरमियान जो एंगल है वो भी थीटा होगा, क्योंकि यहां पे एंगल थीटा है तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो है, इसका परपेंडिकुलर ये है और हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर वर्टिकल है, तो ये एंगल भी थीटा होगा ना, समझ आ रही है? तो ये क्या है, ये जो आपको यहाँ पे इस ट्रायंगल में जो वर्टिकल नजर आ रहा है वो आर वन है, और जो हाइपोटेन्यूस अगर आपको नजर आ रहा है ये क्या है, ये आर टू है। मीन्स ये इंटरनल सर्कल का रेडियस है और आउटसाइड वाला एक्सटर्नल सर्कल का रेडियस है। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इफ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, यहां पे अगर आप देख लें, अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं, यहां पे बेस है, क्योंकि ये बेस है R1 और ये R2 जो है ये हाइपोटेन्यूस है, तो बेस के साथ कौन सा एंगल होता है, cos cos थीटा विल बी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस R1 बाय R2, सो थीटा यहां से आप निकाल सकते हैं 51.3 डिग्री। समझ आ रही है? क्वेश्चन पे दोबारा चले जाते हैं। इन्होंने कहा, दोबारा बताएं। अच्छा देखिए, इन्होंने कहा है कि पॉइंट पी पे ये टेंशन टी को हम कहाँ पे अप्लाई करें कि टॉर्क प्रोड्यूस ही ना हो, तो डेफिनेटली अगर आपने पॉइंट पी पे अप्लाई कर दे, पॉइंट पी पे टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा ना, क्योंकि उस पॉइंट पे है तो उस पॉइंट पे कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो थीटा भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा ना, तो हमने क्या किया इस डायग्राम में यही चीज कर दी। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इस सेंटर और यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की। जब ये लाइन हमने ड्रॉ की तो हमारे पास साथ में ये लाइन एक राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास बन गया। इस राइट एंगल का ट्राइंगल का ये एंगल हमने कहां से निकाला, ये बाय यूजिंग दिस रूल के यहां हॉरिजॉन्टल और इस लाइन के दरमियान अगर एंगल थीटा है तो इस लाइन के परपेंडिकुलर और वर्टिकल के दरमियान एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, अच्छा इस राइट एंगल ट्राइंगल का आप देख लें एक्स एक्सिस क्या है, वो R1 है, इनर सर्कल का रेडियस और हाइपोटेन्यूस। जी अच्छा, हाइपोटेन्यूस का देख लें वो क्या है, वो R2 है। सो cos थीटा क्या है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस है, थीटा एक साइड पे कर दें और आप निकाल लें बाकी रिमेनिंग एंगल्स। इज इट क्लियर नो? यस सर। ओके, सो सॉल्यूशन अवेलेबल है। अभी यहाँ पे देख लीजिए, एल बी इंचेस में है ना, फुट पाउंड में है या पाउंड इंच में है इस केस में। अच्छा फिर 43 में आप देख लें, 43 में आपने क्या करना है बेसिकली, यू हैव टू फाइंड आउट दिस टेंशन। मेरे ख्याल में टेंशन है क्या, इन ऑर्डर टू रेज द फ्लैग पोल, आप ओ सी को उठाने के लिए
लाइट फ्रेम ओ ए बी, ये राइट फ्रेम ओ ए बी यहाँ पे रखा हुआ है अटैच टू पोल एंड टेंशन ऑफ 3.2, यहाँ पे जो टेंशन है इस डायरेक्शन में ये टेंशन होगी आपके पास, ठीक है। 3.2 किलोमीटर इज डेवलप इन द होस्टिंग केबल बाय पावर विच डी, बाय पावर विच डी इस पॉइंट पे, ठीक है। कैलकुलेट द मोमेंट एम ओ ऑफ दिस टेंशन अबाउट हिंज ओ, आपने क्या करना है इस पॉइंट ओ पे इस टेंशन की वजह से जो मोमेंट आ रही है वो आपने फाइंड आउट करना। तो वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे पॉइंट ओ पे, डेफिनेटली आप पहले क्या करेंगे इस फोर्स के कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, ये देखिए ये एंगल गिवन है आपको, तो इस फोर्स के कंपोनेंट्स आप निकाल सकते हैं। फोर्स के कंपोनेंट्स निकाल लेंगे पॉइंट ओ तक आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे आएगा, ये यहाँ पे अगर आप लाइन लगा दें तो ये डिस्टेंस तो आपके पास 1.5 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल देखने बिल्कुल आपके पास हर एक साइड से सेम एंगल सेम लेंथ है। तो 60 डिग्री यहाँ पे, 60 डिग्री यहाँ पे, 60 यहाँ पे, दरमियान में आप लाइन लगाएंगे, ये दोनों विड्थ आपके पास 1.5 हो जाएंगे और ये एंगल यहाँ पे ऊपर आपके पास 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए यहाँ पे ये सॉल्व किया गया 41 और दिस इज 43, ये देखिए 43, समझ आ रही है। इसका कंपोनेंट निकाल, इसका कंपोनेंट एक्सेस में क्या होगा 780 cos of 20 और उसका जो पॉइंट ओ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है बेसिकली, ये वर्टिकल 10 cos of 30 आ जाएगा, थोड़ा सा इस पे सोचें। और फिर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है इस पॉइंट तक उसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है, वो डिस्टेंस भी इन्होंने यहीं से निकाल लिया। इज इट क्लियर? सो ये जवाब करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ये देख लें अगेन, इसमें कैलकुलेट द मोमेंट एम ए, आपने इस फोर्स की वजह से पॉइंट ए पे मोमेंट निकालना है मुख्तलिफ तरीकों से, बाय यूजिंग 3 स्केलर मेथड्स एंड 1 वेक्टर मेथड, जिस तरह हमने उस एग्जांपल में किया था, ठीक है। एक मेथड तो ये हो सकता है इसके कंपोनेंट्स निकाल लें, एक्स कंपोनेंट के साथ ये डिस्टेंस, वाई कंपोनेंट्स के साथ आप ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई करें अबाउट पॉइंट ए, आपके पास मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ये डिस्टेंस डी निकाल लें, तो ये भी गिवन है यहाँ पे प्रॉब्लम 48 ओके ये दिस इज प्रॉब्लम 48, ठीक है। मेथड वन से आंसर, मेथड टू से आंसर, मेथड थ्री से आंसर, मेथड फोर से आंसर। फोर में वही वेक्टर वाला मेथड, दोनों के वेक्टर निकाले और वहां से फाइंड आउट किए, ठीक है। ए में कंपोनेंट्स निकालें और कंपोनेंट्स को मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई किए। ओके इसको मैं बंद कर देता हूँ। नो अच्छा, फिर आप आ जाएं, ये प्रॉब्लम्स भी इसमें गिवन है। इसमें थोड़ी सी ये है कि आपने फोर्स के लिए, फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू यूज इक्वेशन एफ इज इक्वल टू के एक्स, और एक्स क्या है, एक्स डिफ्लेक्शन है, अनस्ट्रेच माइनस स्ट्रेच, ठीक है। आपने क्या करना है, अनस्ट्रेच माइनस स्ट्रेच, वहां से आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अभी आपने से एक स्टूडेंट ने कहा कि चूंकि स्क्रीन को देखते दो बंदा बोर हो जाता है, यहाँ पे मैंने आपसे कहा भी था कि अपने साथ कैलकुलेटर वगैरह रखें और पेज वगैरह रखें, तो अगर साथ में आप ये चीज़ें नोट करते जाएं तो खैर मैं उसके लिए स्पीड थोड़ी सी कम कर दिया करूँगा, तो आप लिखेंगे भी साथ साथ में और इस तरह अगर कोई हिंट वगैरह मिलता है वो भी करेंगे, तो फिर ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगी और थोड़ा सा आपके लिए इंटरेक्टिव रहेगा सेशन, ठीक है सर। हम ठीक है, अच्छा फिर मुझे बता दिया करें, ठीक है ठीक है, फिर मुझे बता दिया करें ताकि मैं उस चीज के मुताबिक स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर दिया करूं। अच्छा 252 में देख लें, इस पे सिर्फ आपके पास डिस्टेंसेज और लेंथ वगैरह बहुत इन्वॉल्व है, बाकी ये प्रॉब्लम इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये भी गिवन है, सॉल्यूशन मैनुअल में देख लें, और 253 भी, 252 जब करेंगे तो 53 फिर बहुत सिंपल है, उसमें एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आप कर लें, होपफुली ये प्रॉब्लम जो आप करेंगे सो यू विल बी एबल लाइक टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम रिलेटेड टू मोमेंट इन 2D सिस्टम, 2D सिस्टम के मोमेंट के प्रॉब्लम फिर आप अगर कहीं से भी आ जाए तो आप कर सकेंगे, अगर आपका इस पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक तो ये है कि आप रट्टा वगैरह लगा दें तो उस केस में तो मुश्किल है, लेकिन अगर कंसेप्ट इस पर क्लियर कर दें तो आप फिर कर सकते हैं। ओके जी, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कर सकते हैं।
सर यूट्यूब पे कोई पेज वगैरह है सर जी स्टैटिक के बारे में, मतलब प्रॉब्लम्स? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, आप सर्च करें। सर आपको कोई याद है? सर हमने तो बहुत सर्च कर लिया लेकिन सर सही नहीं आ रहे वो। सर एक आप रिकमेंड कर दे सर। मैं रिकमेंड कर दूंगा, मुझे देखना पड़ेगा ना, ये ना रिकमेंड कर दे सर, सर आप देख ले सर कि इस मतलब इस तरह हो ना सर जी, उसमें बहुत ज्यादा अगर है। मुझे तो मुझे सही लगा ना मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, अगर आई डोंट नो, मैं खुद सारी वीडियोस देख नहीं सकता। जी सर तगड़े ब्रो, मैं देख लूंगा मैं ये लेक्चर 3 और 4 मिल सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में? वो है नहीं मेरे पास। अच्छा बल्कि 3 और 4 आप देख लेना, वो मैंने चैप्टर 1 करवाया उसमें, ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन वगैरह हुई थी, फिर चैप्टर 1 मैंने करवाया कंप्लीट, तो उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उसके प्रॉब्लम्स थे, वो प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है, और जो प्रॉब्लम जो एग्जांपल सैंपल प्रॉब्लम मैंने करवाए थे वो भी मौजूद है उसमें, बुक में, जो बुक मैंने यहाँ पे शेयर किया। सर और मिड टर्म मतलब किस तरह होगा सर, एमसीक्यूज वगैरह हो गया कोई और? वो अभी अभी डिसाइडेड नहीं है। अच्छा यस सर, अब पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँ, चैप्टर सेकंड आप देख लेना, चैप्टर सेकंड में क्या है उसका जो पहला पोर्शन है उसमें पैरेलोग्राम ला है या हेड टू टेल वो बुक में मौजूद है, सैंपल प्रॉब्लम भी मौजूद है, सोल्यूशन मैनुअल मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो भी आप वहां से वो कर सकते हैं। ठीक है सर जी, आप भी पूछे। अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस अभी कर लेते हैं दोबारा सर, अगर आप कोशिश करें कि यही लेक्चर हमें ये रिकॉर्डिंग में भी अगर यहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है मैं देख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है, ओके। कोई क्वेश्चन नहीं है तो रिकॉर्डिंग में फिर ऑफ कर देता हूँ ना। जी सर।